हेलो एवरीवन क्या हाल चाल आई होप आप सब अच्छे होंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो बच्चे लाइव हैं सबको गुड मॉर्निंग गाइस क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग और जो बच्चे ये लेक्चर बाद में देख रहे होंगे लाइव नहीं होंगे उन सबको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग आई होप आप सब अच्छे होंगे यस, yes. so, कौन कौन बच्चे मेरे साथ लाइव हैं, जल्दी से जल्दी चैट पर आ जाइए ताकि मैं उनके नाम ले सकूं और साथ साथ मुझे यह भी बताओ कि कौन कौन बच्चे कहाँ कहां से हैं हाँ जी गई सो so, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस नए बैच में सी ए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिसको हम प्यार से बोलते हैं एफआर तो इस एफआर के नए बैच में मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूं और ये बैच बेसिकली क्या है ये बैच है एग्जाम ओरिएंटेड बैच एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स बैच ठीक है ऑल राइट सो जो जो बच्चे अवेलेबल हैं वो जल्दी सबके सब, सब लाइव आ जाए और मुझे बताओ कहां, -कहां से हो शुभम जैन गुड मॉर्निंग सारांश गुड मॉर्निंग साथ साथ आपको ये बताना है कि आप कहां, -कहां से हैं सो so, शुभम सारांश अपूर्व गुड मॉर्निंग ऋषभ गुड मॉर्निंग नयन फ्रॉम मुंबई गुड मॉर्निंग बेटा शुभम मुंबई ओके ऋषभ न्यू दिल्ली गुड मॉर्निंग लखनऊ ओके 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 बरेली ओके वेरी गुड सो और भी अगर बच्चे हैं तो जरूर अपना नाम बताइएगा नाम तो आपका मुझे दिख ही जाएगा अपनी सिटी जरूर बताइएगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कहां कहां से बच्चे पढ़ रहे चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग तो ये बैच क्या है सर ये बैच है सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जाम ओरिएंटेड बैच हम ये बैच स्पेसिफिकली अगर बात करें तो नवंबर 24 और मई 25 अटेम्प्ट के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं बट अभी अगर आपका अटेम्प्ट मई 25 के बाद का है ठीक है मई 25 के बाद का अटेम्प्ट है मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो ऐसे केस में मन में आता है कि सर हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए क्या हमें यही एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स करना चाहिए जो कि 170 आवर्स का एप्रोक्स होने वाला है या फिर हमें रेगुलर इनडेप्थ कोर्स करना चाहिए जो आप ही का 250 260 आवर्स का है सो मैं आपको यहां बोलूंगा कि अगर आपने प्लान किया है कि आपका अटेम्प्ट में 25 के बाद का है सो प्रायोरिटी में मैं आपको बोलूंगा कि आपको रेगुलर इन करना चाहिए बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना आर्टिकलशिप के कारण टाइम ज्यादा नहीं होता और आर्टिकलशिप के कारण हम लिमिटेड टाइम ही दे पाते हैं पढ़ाई को और उस केस में जो 250 260 टू आवर्स का जो बैच होता है वो खत्म नहीं होता हम इतने अच्छे से रेगुलराइज कर नहीं पाते तो अगर ऐसे केस है आपके साथ आपका आर्टिकलशिप का टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है भले आपके पास इनफ टाइम है तो मैं आपको बता दूं कि 250, फिफ्टी टू सिक्सटी आवर्स भी खत्म करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा आपके लिए ऐसे केस में आप ये एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स भी कर सकते हो मेरी गारंटी है कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको चाहिए एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो 80 प्लस लाने के लिए 85 लाने के लिए तो भी ये बैच आप कर सकते हो भले आपका अटेम्प्ट थोड़ा सा दूर है चलिए अटेम्प्ट की बातें तो बाद में और होती रहेंगी जो बच्चों को अगर अटेम्प्ट के रिगार्डिंग मुझसे पूछना होगा तो वो मुझसे बात बाद में कर सकता है चलिए सुमित जैन गुड मॉर्निंग चिंचवड़ वेरी गुड ओके अनुजा जैन अच्छा सुमित जैन तो लॉग इन में है अनुजा जैन चिंचवड़ ओके दिनी ओडिशा रपी गुड मॉर्निंग भाई गुड इवनिंग नहीं चल रहा है गुड मॉर्निंग चल रहा है चलिए सर शुरू करते हैं बच्चों ये बैच सबसे पहले मुझे अभी स्टार्टिंग के दस मिनट दीजिएगा मैं आपको दस मिनट में ये समझा दूंगा कि हम इस बैच को किस तरीके से कवर करने वाले हैं आपको क्या, क्या क्या मिलने वाला है और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप भी मुझसे क्वेश्चन अभी के अभी पूछ लीजिएगा रिगार्डिंग स्टार्टिंग के इस बैच के बारे में अगर आपके पास कोई सवाल हो तो जरूर अपना चैट पर सवाल लिख लीजिएगा ठीक है so, सो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि पर्टिकुलरली इस बैच में हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है सबसे पहले तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिसको हम प्यार से बुलाएंगे एफ आर एफ आर मतलब आपका ये होता है पेपर नंबर वन पेपर नंबर वन सर एक बात बताओ ना सर कैसा सब्जेक्ट है इजी है टफ है क्या है सर अभी सुनो क्या आप जानते हो कि आप तो जानते हो कि मैक्सिमम बच्चों का अकाउंट्स एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है चाहे स्कूल में हो चाहे सी फाउंडेशन में हो चाहे सीए इंटरमीडिएट में हो और फेवरेट सब्जेक्ट होने के नाते इस सब्जेक्ट से बच्चों की उम्मीदें बढ़ जाती है कि हाँ यार हमारा ना ये अकाउंट फेवरेट है अल्टीमेटली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी तो एक अकाउंट्स है और लाजमी है मैं आपको बताऊं कि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इजी है बहुत 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 ईजी है आपको ना ये सब्जेक्ट ना जैसे हम बात करें एफ एम की बात करें तो ए एफ एम इज ऑल टूगेदर न्यू सब्जेक्ट फॉर यू हालांकि आप एफ एम भी पढ़ के आए हो बट कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि ए एफ एम इज कंपेरेटिवली न्यू सब्जेक्ट फॉर यू एज कंपेयर टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत आसान है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि अगर आप इसको कंसिस्टेंसी से रोज के रोज अच्छे से कंप्लीट करो इसके सिलेबस को कंप्लीट करो कंसिस्टेंट रहो और कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट कहां नहीं है मुझे बताओ कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट हर जगह है सो तो ये सब्जेक्ट मांगता है आपकी कंसिस्टेंसी हाँ थोड़ा सा लेंदी जरूर है यस थोड़ा सा ये लेंदी जरूर है दूसरी इंपॉर्टेंट बात सीए फाइनल में आ आके हम ये भूल जाते हैं कि यार इंटरमीडिएट हम इसलिए पास हुए थे कि हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी

आप सब समझ सकते हो इस चीज को हाय चंचल गुड मॉर्निंग बेटा आप कोलकाता से ओके okay, अभिजीत अभिजीत कहां से हो गोरखपुर से ओके सो मैक्सिमम बच्चे अलग 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 जगह जगह से हैं चलिए सो so, ये सब्जेक्ट भी उतनी ही प्रैक्टिस मांगता है जितना आप इंटरमीडिएट में अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में प्रैक्टिस करके आए हो जो बच्चे इसी न्यू सिलेबस में इसको इंटरमीडिएट पास करके आए तो भी उनको पता है कि एडवांस अकाउंट्स ये इंटरमीडिएट का कितना वास्ट सिलेबस था और बिना प्रैक्टिस के हमारे अच्छे नंबर्स नहीं आ सकते थे सो so, आप सब जानते हो अगर आपके इवन एग्जामेशन नहीं आए हैं एग्जामेशन आए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है अगर आप मेरे से इस बात में वाकिफ हो अगर आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा सो so, ये सब्जेक्ट भी आपकी प्रैक्टिस मांगता है अब सबसे बड़ी मैं आपको बता रहा हूं इस सब्जेक्ट में बच्चों की गलती क्या होती है बच्चों की गलती होती है और गलती नहीं कहीं ना कहीं वो एक नजरअंदाजी हो जाती है क्योंकि आर्टिकलशिप साथ में चल रही होती है आर्टिकलशिप के कारण हम इस सब्जेक्ट के लेक्चर्स को तो कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है थीके? हम लेक्चर्स को तो कंप्लीट कर लेते हैं पर हम अलग से

जब स्टूडेंट पढ़ता है तो उस से पढ़ता है कि अरे यार मेरे एग्जाम ना बहुत दूर है तो उसको क्या करना पड़ता है? चार -चार, है क्लास में चार चार पांच बार करवाना पड़ता है।, है कि अरे यार मेरे एग्जाम तो डेढ़ साल बाद है ना दो साल बाद है ना तीन साल बाद है ना, उसका माइंडसेट ये होता है तो उसको मुझे बार 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 दिमाग में डालना होता है जबकि एग्जाम ओरियंटेड बैच में मोस्टली बच्चे या तो सिंसियर होते या तो उनको पता रहता है कि यार हमारा तो ना अपकमिंग अटेम्प्ट है हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है तो वो कहीं ना कहीं पहली बार में ही ना अच्छे से सुन लेते हैं फिर भी हम कम से कम यहां पर दो बार रिपीटेशन करते हैं दो बार रिपीटेशन होता है तो एक तो रिपीटेशन के चक्कर में रेगुलर बैच थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है दूसरा रेगुलर बैच में अगर मैं हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं तो उसके कंपैरिजन में एग्जाम ओरिएंटेड बैच में सेवेंटी फाइव परसेंट अप्रोक्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो 25 परसेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड लेवल के होंगे वो क्वेश्चन वही बोल रहा हूं कि आपको घर पे बैठ के मतलब लेक्चर्स के बाद आपको उन्हीं क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस लगानी है तो ये अगर चीजों पर आपने ध्यान दिया कंसिस्टेंटली अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेक्चर देखने के बाद लगाई तो आप आराम से एफ आर में 80 प्लस स्कोर कर सकते हो और जो फेवरेट सब्जेक्ट आपका इतने सालों से चलता आ रहा है अकाउंट्स वो आपका कंटिन्यूसली फेवरेट चलेगा ठीक है ऐसा होना है सो so, प्रैक्टिस मांगता है ये सब्जेक्ट डेफिनेटली आपकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस मांगता है और वो कोशिश हम क्लास में करेंगे मैंने वादा किया है आपसे और मैं आज आपसे वापस से वादा करता हूं कि इस पूरे आ, बैच के अंदर मैं आपको क्लास में अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड लेवल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा फिर भले मुझे उसके लिए आपके साथ एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है अब बात करते हैं आगे की सर ये बैच हम टारगेट कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली वन सेवेंटी आवर्स में बट आप दस घंटे को बफर मान के चलना दस घंटे का टेन आवर्स का बफर मान के चलना हो सकता है कुछ प्रैक्टिस के कारण हमें दस घंटे ज्यादा लग जाए बट मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं वन सेवेंटी आवर्स में कंप्लीट करूं फिर हम इसमें हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवर करेंगे सारे कॉन्सेप्ट की बातें करें तो सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी लेक्चर्स होने वाले हैं विद इन टू डेज मैं आपके साथ शेड्यूल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि मैं लेक्चर्स कौन से कौन से दिन लूंगा मेरे कब कब छुट्टी प्लान्ड है ठीक है ना अगर मेरी कोई प्लान्ड हॉलीडेज है छुट्टीज हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पहले से ही बता दूंगा हाउ वी विल स्टडी इन क्लास क्लास में कैसे पढ़ा जाएगा ये बहुत जरूरी है ध्यान से सुनना क्लास में कैसे पढ़ा जाएगा मैं आपको क्लास में कैसे पढ़ाऊंगा ध्यान से दुनियागा सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कॉन्सेप्ट विद द examples। अब कॉन्सेप्ट पर बात करने के लिए हमें कौन सी बुक काम आएगी हमें काम आएगी, हमें काम आएगी? हमारी कंसेप्ट बुक हमें काम आएगी हमारी कंसेप्ट बुक अब कंसेप्ट बुक सर कैसी दिखती है मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंसेप्ट बुक कैसी दिखती है ये देखिए सो so, अगर मैं इंडिया आपके सामने ओपन कर रहा हूं ये कंसेप्ट बुक दिखती है इस तरीके से दिस इज़ मल्टी कलर कंसेप्ट बुक ठीक है ना और इस बार मैंने कॉन्सेप्ट बुक में और भी सारे चेंजेस किए हैं और मैंने इसको और कंसाइज uh, करने की कोशिश की है थोड़ा सा पतला करने का कोशिश किया ताकि एग्जाम टाइम में हमें जो मटेरियल हमारे सामने हो उसको देखकर हमें डर ना लगे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस कंसेप्ट बुक को आपके लिए कंसाइज करूं तो होता क्या है कि अगर मान लो मुझे जैसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो या तो मैं क्या करूंगा या तो पहले मैं आपसे बात करूंगा कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बोलूंगा इसको छोड़ दो तो पहले मेरी सुनो पांच मिनट सात मिनट दस मिनट मेरी सुनो फिर मैंने आपसे बात कर ली फिर मैं आपको बोलूंगा आइए इसको थोड़ा रीड करते हैं फिर मैं आपको इसको रीड करवाऊंगा इसके जो की होंगे वो हाईलाइट करवाऊंगा फिर एक कॉन्सेप्ट को आ, समझाने के लिए अगर मुझे किसी एग्जाम्पल की जरूरत पड़ी तो वो एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी इस किताब में लिख के रखा है एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बुक यहां पर लोग क्या करते हैं कि अपनी किताब को पतला करने के चक्कर में पतला किताब को करने के चक्कर में एग्जाम्पल्स वगैरह लिखते नहीं है मैंने क्या किया है मैंने अपनी कॉन्सेप्ट बुक में जगह जगह पर एग्जाम्पल्स को लिखा है ताकि मुझे आपका एग्जाम्पल्स का लिखवाने का टाइम वेस्ट ना हो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो ताकि हम डायरेक्टली टू द पॉइंट एग्जाम्पल पे आ जाए और एग्जाम्पल को डायरेक्टली हम सोल्व करें एग्जाम्पल को जहां डिस्कस करना हुआ वहां डिस्कस करेंगे जहां सॉल्व करना हुआ वहां सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर ठीक है सो इस तरीके से तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा

होमवर्क भी क्लास क्लास uh, के बाद आपको अगला लेक्चर देखने से पहले होमवर्क करना है ठीक है ना आपको क्या करना है अगला लेक्चर देखने से पहले इसका होमवर्क आपको निपटा के रखना है आई मेरी बात समझ में तो ये आपकी क्वेश्चन बैंक होने वाली है एक सेकेंड हां जी ये इस तरीके से इसमें ये इंडेक्स हो गया ये आपकी क्वेश्चन बैंक होने वाली है ये क्वेश्चन बैंक में हर चैप्टर में लिखा होगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है इस चैप्टर में मैंने क्या किया मैंने क्वेश्चन बैंक को भी अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है कि मतलब अगर जैसे ये ये पीपी -पी करके है पीपी -पी आपने नाम सुना होगा इंटरमीडिएट में तो पीपी -पी में कॉस्ट ऑफ पीपी के जितने भी क्वेश्चन है वो अलग से डी लाइब्रेरी के जितने भी क्वेश्चन है वो अलग से डेप्रीशन बेस्ड क्वेश्चन अलग से रीवेल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन अलग से और जो मिक्स कैटेगरी के क्वेश्चन उनको मैंने कैटेगरी में डाल दिया तो इससे ना आसानी हो जाती है कि हाँ यार कौन सी वाली कैटेगरी के क्वेश्चन हमें थोड़े से टफ लग रहे हैं जो हमें आगे चल के हमें ध्यान देने पड़ेंगे आ रही मेरी बात समझ में ठीक है तो हम क्लास में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के अलावा मैं आपको जो जो क्वेश्चन रिपीटेड बेसिस पर जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो आपको घर पे करना है आपको प्रैक्टिस करनी है जिसको हम अगले दिन होमवर्क फॉर्म में डिस्कस करेंगे क्यू आर कोड के बारे में मैं बात करूंगा बाद में तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन का प्रैक्टिस थर्ड हम होमवर्क का डिस्कशन करेंगे क्लास में अगले दिन जिन जिन बच्चों को डाउट होगा हम उन बच्चों के साथ होमवर्क का डिस्कशन भी करेंगे और जहां जहां मुझे लगेगा कि यार इस पर्टिकुलर पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा भले वो रिपीटेड क्वेश्चन क्यों ना हो फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव रिविजन क्लास के अंदर ही हम क्या करेंगे हमारा जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा तो कंप्लीट होने के बाद हम लास्ट के दस मिनट सिर्फ मैं आपको दस मिनट रोकूंगा और दस मिनट में हमने जितना भी पोर्शन पढ़ा है हम उसको रिवाइज करेंगे और अगले दिन आके कोशिश करके हम उसको वापस से रिवाइज करेंगे पांच मिनट के अंदर तो एक तो क्लास के एंड में हम कोशिश करेंगे रिवाइज करने की और अगले दिन जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पर भी हम एक रिविजन करेंगे जिससे हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ और रिविजन के साथ पक्का हो जाएगा ठीक है आई मेरी बात क्वेश्चन बैंक कंपाइलर क्वेश्चन बैंक कंपाइलर जो होने वाली है वो होने वाली है क्यू आर कोड अब ये क्यू आर कोड क्वेश्चन बैंक कंपाइलर क्या है ध्यान से देखिए आपको यहां पर क्यू आर दिख रहा होगा ये क्यू आर का ऑब्जेक्टिव क्या है आपने अपना मोबाइल लिया अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन से, से आईफोन के कैमरा से आप इसको स्कैन करोगे। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो एंड्रॉय के कैमरा से या फिर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप क्यू आर स्कैनर ऐप कोई भी क्यू आर स्कैनर ऐप जब आ, अपने एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड करोगे आप इसको स्कैन करोगे स्कैन करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वीडियो मेरे द्वारा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन प्रॉपरली समझाया हुआ कि इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे वो पर्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगा इस स्कैनर के थ्रू ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के बगल में आपको क्यूआर मिलेंगे और कई सारे क्वेश्चंस के बगल में नहीं भी मिलेंगे किन क्वेश्चंस के बगल में मिलेंगे मोस्टली ऐसे क्वेश्चन जो अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चन है चाहे वो थियोरिटिकल हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो कौन से क्वेश्चन के बगल में नहीं मिलेंगे या तो वो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे या तो वो न्यूली एडेड क्वेश्चन होंगे जिनको अब आपकी क्लास में

उसके बाद सर और क्या होगा इसके अलावा मैं आपको एक चार्ट बुक प्रोवाइड करने वाला हूं चार्ट बुक कुछ ऐसी दिखने वाली है इस तरीके से चार्ट बुक दिखने वाली है ये होगी चार्ट बुक चार्ट बुक होगी आपको रिवीजन के लिए काम कि आएगी जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको रिविजन करवाऊंगा इस चार्ट बुक से और चार्ट बुक के साथ साथ आप मेरे रिविजन के साथ साथ आप खुद भी रिविजन कर सकते हो चार्ट बुक के अलावा सर और क्या मिलने वाला है चार्ट बुक के अलावा आपको मिलने वाला है केस केसनर एमसीक्यू को एमसीक्यू बुक ये देखो केस सेनैरियो एमसीक्यू बुक कैसे होने वाली है केस सेनैरियो एमसीक्यू बुक होने वाली है केस सैनैरियो एमसीक्यू बुक होने वाली है इस तरीके से आपके एफआर एग्जाम में थर्टी मार्क्स के केस सैनरियो एमसीक्यू आते हैं थर्टी मार्क्स में से भी मान लीजिए कि आपके ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव मार्क्स के ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी फाइव मार्क्स के आ, आपके केस सिनेरियो एमसीक्यूज आते हैं और बाकी दो तीन मार्क्स चार पांच मार्क्स के आपके सिंगल एमसीक्यूज आते हैं तो जो केस सिनेरियो एमसीक्यूज हैं है उनकी एक बुकलेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसमें अप्रॉक्सिमेटली फोर्टी फाइव से फिफ्टी के स्टडीज होने वाली हैं

हैंड रिटर्न नोट जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा उसकी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आपके पास क्या क्या होना चाहिए स्टूडेंट के पास आज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं आपके पास स्टूडेंट के पास क्या क्या होना चाहिए स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट को क्या अभी होना चाहिए स्टूडेंट शुड हैव पहला तो आपके पास रजिस्टर फॉर राइटिंग अब भाई लिखना तो पड़ेगा ना चाहे मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं चाहे मैं आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं कई बार ऐसा होगा कि अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन करवाऊंगा कॉन्सेप्ट करवाऊंगा कॉन्सेप्ट समझाते समझाते मैंने आपको कोई एक एडिशनल लाइन लिखवा दी तो आप क्या करना आप वो एडिशनल लाइन पेंसिल या पेन से आप उस कॉन्सेप्ट बुक में बगल में लिख लेना वहां पर पर मैंने आपको बोला कि नहीं बेटा थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है मुझे आपको लिखवाना है तो आप अपने कॉपी में लिख सकते हो इसके अलावा आपके पास हाईलाइटर होना चाहिए हाईलाइटर होना चाहिए आपके पास हाईलाइटर होना चाहिए जहां जहां मैं आपको बोलूं कि बेटा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट uh, को इस वर्ड को हाईलाइट कर लो हाईलाइट करने से ये होगा कि एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा आप जैसे ही इवन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कई बार ऐसा होगा कि मैं आपको बोलूंगा आप हाईलाइट कर लो ताकि आप जब एग्जाम टाइम में वो क्वेश्चन वापस से रेफर करोगे तो उसके सोल्यूशन में हाईलाइटेड पॉइंट से आप समझ जाओगे कि हाँ मुझे क्वेश्चन के आंसर में कौन कौन से की को लिखना है ध्यान रखना है तो वो हाईलाइटर आपके पास होना चाहिए इसके अलावा आपके पास और क्या होना चाहिए एक तो अभी से ही लेक्चर वाइज शेड्यूल लेक्चर वाइज शेड्यूल सर ये क्या है लाइव स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर वाइज शेड्यूल किसी काम का नहीं रहेगा पर जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं ये लेक्चर्स जो बच्चे ऑनलाइन डाउनलोड करके देखेंगे पेनड्राइव मोड में देखेंगे मैं उनको पहले दिन से बता दूं कि आपके पास लेक्चर वाइज शेड्यूल होना मैंडेटरी है लेक्चर वाइज शेड्यूल कहां से मिलेगा मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में लेक्चर वाइज शेड्यूल होने से होगा क्या ध्यान से सुनिएगा। सुनिएगा। होने से 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 क्या-क्या होगा होगा ध्यान ये कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं, उनको पता रहेगा कि कितना लेक्षर, हर लेक्चर का ड्यूरेशन क्या है मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है आज के दिन या अगर मैं अपने कल के लेक्चर की प्लानिंग कर रहा हूं तो मुझे कितने घंटे देखना है पहला तो ये दूसरा उसको पता रहेगा कि यार टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने ताकि मैं उस हिसाब से अपने अपकमिंग उस तरीके से प्लान करो ठीक है मैक्सिमम बच्चे गलती ये करते हैं कि बस लेक्चर देखना शुरू कर लेते हैं इवन बहुत सारे बच्चे तो ये इंट्रो लेक्चर भी स्किप कर देंगे तो मुझे उनको वापस से बार बार समझाना पड़ेगा क्लास के बीच में तो लेक्चर वाइज शेड्यूल को बच्चे देखते नहीं है और बिना देखे बस अपनी अपनी हवा में वो लेक्चर देखते जाते हैं कभी कभार नहीं देख रहे कभी देख रहे कभी नहीं देख रहे उस वजह से जहां लेक्चर उनके कंप्लीट होने चाहिए दो महीने में वहां लेक्चर जाके कंप्लीट होता है उनका तीन महीने में चार महीने में तो लेक्चर वाइज शेड्यूल आपको ध्यान रखना है अपने पास होना चाहिए आपके पास लेक्चर वाइज शेड्यूल होना चाहिए ठीक है सो ये तीन चीजें आपको अपने पास रखनी है अच्छा ऐप में लेक्चर्स कैसे चलेंगे वो मैं आपको आने वाले दिनों में बता दूंगा सेकेंड लेक्चर थर्ड लेक्चर में बता दूंगा स्टार्टिंग के तीन से पांच लेक्चर्स यूट्यूब पर है आप आराम से देखना कोई दिक्कत नहीं है कोई घई नहीं है कोई जल्दबाजी नहीं है आराम से देखना अगर आपको कोई दिक्कत जाए तो आप मुझसे कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हो मेरा नंबर ये वाला है ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हो अब आप ध्यान से सुनो इसके अलावा एक और लिंक आपके पास होनी चाहिए जी लिंक Google Drive link. ये 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 क्या है ये है Google Drive link. ये है ध्यान से मैंने YouTube में जो हमारे डेमो लेक्चर चल रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में तो मैंने डाल ही दिया है बट एट द सेम टाइम ये लिंक हर एक स्टूडेंट को जो बच्चा यहां पर क्लास में रजिस्टर होगा अपना ये कोर्स परचेस करेगा उसको ये लिंक दिया जाएगा उसके वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉग के अंदर वी स्टूडेंट क्या होता है मैं आपको वो अगली क्लासेस में बताऊंगा आज के पहले दिन में इतनी बातें जरूरी नहीं है ये स्टूडेंट लॉग के बारे में समझना बट सेकेंड लेक्चर में मैं आपको जरूर बताऊंगा स्टूडेंट लॉग के अंदर जो आपको ये लिंक मिलेगी इसके अंदर क्या क्या है सबसे पहले तो फर्स्ट जो फोल्डर है वो है बुक्स का स्टार्टिंग के कम से कम पंद्रह लेक्चर्स या इवन हो सकता है उससे भी ज्यादा लेक्चर्स को कवर करने के लिए मैंने बुक्स को सॉफ्ट कॉपी में डाल के रखा है ऐसा इसलिए कि मान लो अगर किसी बच्चे को बुक्स थोड़ी सी लेट मिल रही है तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो यहां से वो फोटोकॉपी डाउनलोड करके फोटोकॉपी कर सकता है इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट बुक क्वेश्चन बैंक केस सैनैरिया क्योंकि फोटोकॉपी फिलहाल करने की जरूरत नहीं चार्ट बुक की भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में पंद्रह दिन में आपको यह ऐसा ज्यादा काम आएगा नहीं ठीक है फिर उसके बाद क्लास के हैंड रिटन नोट्स जो भी मैं क्लास में लिखवाऊंगा वो हैंड रिटन नोट्स में यहीं पर अपलोड कर दूंगा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आ, हमारा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फिर ऑडियो रिविजन आपको कई सारे ऑडियो रिविजन यहां पर दिख रहे होंगे कई सारे नहीं भी हैं वो मैं समय समय आने पर रिकॉर्ड करूंगा ऑडियो रिविजन से आपका क्या होगा पाँच सात मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक पूरा का पूरा पॉइंट रिवाइज हो जाएगा और इसके अलावा आपका लेक्चर वाइज शेड्यूल है अभी तो मैंने ओपन किया तो आपको इसमें निल दिखेगा कुछ भी नहीं दिखेगा जीरो कुछ नहीं दिखेगा पर ये जैसे जैसे लेक्चर होता जाएगा वैसे वैसे इसमें लेक्चर वाइज शेड्यूल और हर लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगा वो आपको मालूम पड़ जाएगा तो ये लेक्चर वाइज शेड्यूल और ये सारी चीजें आपको गूगल ड्राइव लिंक आपके पास होना चाहिए ताकि बाद में आपको किसी से मांगना न पड़े लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक टेलीग्राम ग्रुप है इस बैच का वो भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा वो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा ठीक है so, सो ये हो गई इतनी सारी बातें अब क्या हम पढ़ाई शुरू कर सकते हैं आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए अदरवाइज हम पढ़ाई शुरू करते हैं आपके पास रजिस्टर मैंडेटरी है एक नया रजिस्टर होना चाहिए देखो राइटिंग मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए राइटिंग बोल रहा हूं एज फार एज कंसेप्ट इज कंसर्न हमारी कंसेप्ट बुक में नाइन्टी नाइन परसेंट चीजें लिखी हुई है वन परसेंट अगर कोई चीज नहीं लिखी हुई है तो मैं आपको लिखवा लूंगा ठीक है चलिए और कुछ आपको पूछना है और कुछ पूछना है आपको बोलिए सो हम शुरू कर सकते हैं क्या स्टार्ट करें सर अब बात करते हैं हमारे सिलेबस की अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं एफआर का सिलेबस एफआर सिलेबस सर एफआर के सिलेबस में क्या है एफआर के सिलेबस में कुल मिला के थर्टी फाइव इंडे एस है थर्टी फाइव एस ठीक है थर्टी फाइव इंडियस है थर्टी फाइव इंडिया जैसे आपके इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो यहां पर इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्स एंड अदर टॉपिकॉपिक्स कौन कौन से है जैसे पहला रोडमैप टू इंडिया ये तो हम आज ही खत्म करेंगे आज ही स्टार्ट करके आज ही खत्म कर देंगे दूसरा शेड्यूल थ्री ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको आज ही स्टार्ट करके आज ही खत्म कर दें। तीसरा फ्रेमवर्क यह ना तुम्हारे इंटरमीडिएट में भी था यह चैप्टर पर थोड़ा सा अभी हल्का सा चेंज है दस पंद्रह परसेंट हल्का सा चेंज है ठीक है तो यह एक फ्रेमवर्क करके चैप्टर है थ्योरी चैप्टर है उसके बाद और क्या है एक चैप्टर है अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी कोशिश किया इंस्टीट्यूट ने जो सीए इंटरमीडिएट में ईआईएस करके चैप्टर हुआ करता था सब्जेक्ट हुआ करता था उस ईआईएस से रिलेटेड इन्होंने एक टॉपिक बना लिया छोटा सा अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसका पांच मार्क का वेटेज है ठीक पांच है पांचवा है प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ अ चार्टेड अकाउंटेंट अब इन्होंने ये क्या किया इन्होंने ऑडिट में एक टॉपिक होता है एथिक्स ऑडिट में एक टॉपिक होता है एथिक्स का उन्होंने एथिक्स को इन्होंने एफआर में एक चैप्टर के फॉर्म में जोड़ दिया कि अगर एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है या फिर एक चार्टेड अकाउंटेंट जो जॉब कर रहा है कंपनी में और उसके ऊपर कुछ प्रेशर आईस प्रेशर के रहा कि नहीं आप बैलेंस शीट साइन करो हमने इंडेस को कंप्लाई नहीं किया तो भी आप बैलेंस शीट साइन करो या फिर हमने इंडेस को कंप्लाई नहीं किया आप हमारे एम्प्लॉय हो आपको मानना पड़ेगा आप इनको अप्रूव कर दो तो ऐसे केस में उसकी क्या प्रोफेशनल और एथिकल ड्यूटी होनी चाहिए वो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर में सिखाया जाता है और एक है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये पूरी तरीके से एक ऐसा चैप्टर है जो 35 फाइव इन डेज के ऊपर बेस्ड है मतलब ये समझो कि जैसे आपका इनकम टैक्स के अंदर आपको याद है इंटरमीडिएट में आपको पहले सैलरी का हेड सिखाया जाता था फिर पीजीपीपी फिर कैपिटल गेन अदर सोर्सेज हाउस प्रॉपर्टी फिर आपका टी फिर उसके बाद टी उसके बाद आपका डिडक्शंस उसके बाद ए बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स होते थे फिर क्लब करके आपका एक चैप्टर होता था जिसमें आप टोटल इनकम वाले क्वेश्चन सोल्व करते थे याद है आपको टोटल इनकम वाले क्वेश्चन सोल्व करते थे वैसा ही मान लो कि आपका ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपको सारे के सारे थर्टी फाइव इंडिया करने के बाद एक ऐसा चैप्टर आएगा जिसमें आपको एक क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में आपके मल्टीपल इंडेक्स लग रहे होंगे चार पांच छह मल्टीपल इंडेक्स लग रहे होंगे और उस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है वो बैलेंस शीट बेस्ड भी हो सकता है और वो नॉन बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है पर यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ठीक है आई मेरी बात समझ में नहीं ये क्लास हमेशा लाइव होगी हाँ जी ये लेक्चर्स लाइव होंगे लाइव का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा सुबह सात बजे से लेकर दस बजे तक ठीक है और किसी को कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकता है चंचल रेडी सर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास टू क्यूर एडवांस अकाउंट सुपर फिफ्टी इन द इंटर एंड इट वॉज सो सो गुड थैंक यू सो मच चंचल थैंक यू सो मच बेटा और मैं आशा करता हूं कि जो भी बच्चे इस बैच में मेरे साथ जुड़ रहे हैं चाहे लाइव चाहे ऑनलाइन डाउनलोड चाहे पेनड्राइव मोड पे वो बच्चे मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लेक्चर देखना शुरू कर रहे हो तो रोज का रोज एक लेक्चर जरूर देखना ऑनलाइन स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट यही है लेक्चर वाइज शेड्यूल को डाउनलोड करने के हिसाब से देखना ताकि लेक्चर वाइज शेड्यूल के हिसाब से आप अपना अपकमिंग वन मंथ टू मंथ्स का प्लान कर सको तीसरी बात मेरे से टच में जरूर रहना मैं आज पहले ही दिन आपको बता देता हूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है डाउट्स को मैं इस व्हाट्सएप नंबर पे सॉल्व करूंगा प्लस जो मैं इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप मैंने जो बनाया है इस पर्टिकुलर बैच का वो एक प्राइवेट ग्रुप है उस ग्रुप में सिर्फ रजिस्टर्ड बच्चे इस बैच में जो रजिस्टर होंगे वही बच्चे इस उस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे तो डाउट पूछने के दो तरीके होंगे एक तो ये मेरा व्हाट्सएप और दूसरा टेलीग्राम स्टडी ग्रुप मेरे से टच में रहना जरूर रहना हमेशा रहना टच में कैसे रह सकते हो बाय मैसेजिंग मी ऑन व्हाट्सएप मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अगर रिप्लाई नहीं कर पाया आपको अगर डाउट्स आपके हैं मैं आपको चौबीस घंटे में रिप्लाई नहीं कर पाया तो आप मुझे कॉल कर सकते हो ये रिमाइंड करवाने के लिए कि सर मेरे डाउट का रिप्लाई आया नहीं है कॉल उठाया अच्छी बात है कॉल नहीं उठाया नहीं उठाऊंगा क्यों सर क्योंकि मैं क्लास में रह सकता हूं तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा नाइनटी परसेंट सिचुएशन में मैं कॉल बैक कर लेता हूं पर कभी कभार बहुत ज्यादा ही थकावट हो जाती है तो शायद कॉल नहीं भी हो पाएगा तो आप मुझे वापस से रिपीट कॉल लगा सकते हो ठीक है so, सो आप मुझसे टच में रहेगा सिर्फ स्टडीड आउट के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं हर चीज के लिए बोल रहा हूं कम से कम जब तक आप सीए ना बन जाओ हालांकि सीए बनने के बाद ही मुझसे टच में रहना बड़े आदमी बन जाओगे तो फिर भूल मत जाना बट फिर भी मैं आपको बोलूं कि एटलीस्ट एग्जाम होने तक आप मुझसे टच में रहिएगा आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो आपको मोटिवेशन चाहिए हो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्प चाहिए हो सी स्टडीज के लिए आप मुझे याद रख सकते हो ठीक है ये बात आपको मुझे शुरू में ही बताना जरूरी था ताकि आप को ये पहले दिन से समझ में आ जाए कि मैं आपका टीचर के साथ साथ दोस्त की तरह आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हमेशा से अच्छा लगे ठीक है चलिए ठीक है चलो सो बच्चों आ, बात करते हैं रोड मैप की हमारा ये सिलेबस हमने आप मैंने आपको बता दिया अब मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में ये भी बता दूंगा शेड्यूल दे दूंगा कि मैं आपको आ, कितने कितने दिन कैसे कैसे पढ़ाने वाला हूं और उसके बाद आ, कभी अगर मेरी कोई प्लान्ड छुट्टी है तो वो कब होने वाली है ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्क्लोज करूंगा अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर ऐप के बारे में मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दूंगा चलिए शुरू करते हैं गाइज हमारा जो पहला लेक्चर है वो है रोड मैप ऑफ इंडियास शुरू करें जिसका ये डाउट है कि मेरा अटेम्प्ट मई ट्वेंटी फाइव है सर मुझे क्या करना चाहिए लेक्चर्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए क्या करना चाहिए बेटा आप मुझे ना पर्सनली कांटेक्ट कर लेना मेरे नंबर आपको तो दे ही दिया है ठीक है ना इस लेक्चर में मैंने नंबर के मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर बता ही दिया तो उसमें कॉन्टैक्ट करना मैं इसमें नहीं चाह रहा हूं कि अपना टाइम वेस्ट करूँ इन चीज़ के लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ पर्सनली डिस्कस करूँ आपका वाला मैटर चलिए शुरू करते हैं रोड मैप ऑफ इंडिया सर ये रोड मैप ऑफ इंडिया है क्या सर ये रोड मैप ऑफ इंडेस क्या है ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा रोड मैप ऑफ इंडेस क्या होता है इंडेस 2015 में आए कब आए 2015 में इंडेस कब स्टार्ट हुए 2015 में 2015 में इंडेस का नोटिफिकेशन आया सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला 2015 में फरवरी 2015 में इसका नोटिफिकेशन निकाला गया और यह कहा गया कि इनडीएस को फॉलो किया जाएगा कौन सी कंपनी को फॉलो किया जाएगा ऑब्वियसली इसका नोटिफिकेशन किसने निकाला नोटिफिकेशन निकाला एमसीए ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने मतलब इनडीएस पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर एप्लीकेबल हो नहीं सकता ठीक है सोल प्रोपेटरशिप हम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता डेफिनेटली एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा कंपनीज पर बट पॉइंट ये होती है कि क्या इंडिया सभी की सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है वन कंपनी वन पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी क्या सबके ऊपर एप्लीकेबल है तो आंसर इज कि नहीं सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है इंडिया इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंडियास को एप्लीकेबल करवाया गया है सिलेक्टेड कंपनीज के ऊपर और वो भी दो अलग अलग फेज में पूरी तरीके से सभी कंपनीज के ऊपर इंडेस एप्लीकेबल नहीं है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू इंडेस एप्लीकेबल जिन जिन कंपनीज के ऊपर है एप्लीकेबल उनके ऊपर भी उसको फेज वाइज अप्लाई करवाया गया है फर्स्ट फेज में पहले कुछ कंपनीज के ऊपर अप्लाई करवाया गया फिर सेकंड फेज में बाकी की कुछ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल करवाया गया थर्ड फेज कुछ नहीं हुआ तो इन को एप्लीकेबल जब करवाया गया था 2015 के बाद तो फेज वाइज अप्लाई करवाया गया था आपको लग रहा होगा कि सर जो मैं आपको जो आप हमें ये पढ़ा रहे हो 2015 में आया इसको एप्लीकेबल करवाया गया सर ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट है 20 मई 2024 का एग्जाम पेपर उठा के देख लेना उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है रोडमैप फॉर द ऑफ इट नॉट एक्सपेक्टेड बट जो बच्चे पढ़के गए थे उन बच्चों को समझ में आ गया कि हमें क्या लिखना है सो so, डेफिनेटली यहां पर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच में कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है ठीक है ध्यान रखेगा इसका मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए रेलिवेंट है सो दो हजार में नोटिफिकेशन आया और उसको दो फेजेस में अप्लाई करवाया गया कुछ कंपनीज के ऊपर आज भी इंडेस सिलेक्टेड कंपनीज के ऊपर नहीं होता है जिन कंपनीज के ऊपर इंडेस एप्लीकेबल नहीं होता उन कंपनीज उन कंपनीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं क्या लगते हैं उन कंपनीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लियर आई मेरी बात समझ में कि नहीं चलिए तो सर रोड रोडमैप क्या है एप्लीकेबिलिटी का आइए इंडिया को किस तरीके से अप्लाई करवाया गया सबसे पहले तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिया फॉर द कंपनीज एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिया फॉर द कंपनीज अदर देन बैंक्स एनबीएफसी इंश्योरेंस कंपनीज अब मैं आपको जो भी एप्लीकेबिलिटी पढ़ा रहा हूं वो बैंकिंग एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर है देखो मैं हाईलाइटर का यूज कर रहा हूं आप भी कोशिश करके अगले लेक्चर से अपने पास हाईलाइटर जरूर रखिएगा अगर आपके पास नहीं है तो अब इंडिया को दो फेजेस में एप्लीकेबल करवाया गया पहला सबसे पहले फेज वन और उसके बाद आपको दिखेगा फेज टू ठीक है फेज वन फेज वन कहां से शुरू होगा फेज वन शुरू होगा फर्स्ट अप्रैल 2016 से देखो इंडिया आया कब इंडिया आया 2015 में नोटिफिकेशन आ गया 2015 में और क्या बोला गया यह बोला गया कि आप फर्स्ट अप्रैल 2016 से जो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है मतलब फाइनेंशियल ईयर 16-17 ऑनवर्ड्स फाइनेंशियल ईयर 16, 17 ऑनवर्ड से पहले फेज में जो भी कंपनीज आ रही हैं उन कंपनीज को इंडेस लगाना पड़ेगा अब सर कौन सी कंपनी आ रही है कौन सी कंपनीज आ रही है ध्यान से देखेगा कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? कंपनीज लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एक्सेप्ट 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 कंपनीज लिस्टेड ऑन एस एक्सचेंज जो कंपनीज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज में लिस्टेड है उनके ऊपर भी इंडेस नहीं लगता है ये एमसीक्यू वाला पॉइंट है जहां जहां मैं आपको बोलूं कि आपका एमसीक्यू वाला पॉइंट है आप उसके बगल में एमसीक्यू डाल देना अब मैं आपको यह बताने वाला हूं आपको अलग से क्या करना है सुनो मैंने आपको यह कहा था ना कि आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है कहा था ना तो आपके दो प्रकार के रजिस्टर होंगे आपके दो प्रकार के रजिस्टर होंगे एक क्लास रजिस्टर एक क्लास रजिस्टर और एक होगा आपका समरी बुक समरी नोट्स एक होगा आपका समरी नोट्स हाँ जी आपके दो प्रकार के रजिस्टर होंगे समरी नोट्स का एक सेपरेट रजिस्टर होगा और क्लास रजिस्टर तो आपका होगा ही होगा जहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेरे साथ क्लास में मैं आपको जो भी रफ वर्क आपको करना पड़ रहा है जितना भी पोर्शन करना पड़ रहा है इवन जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं वो सब अब एक होंगे आपके समरी नोट्स ये समरी नोट्स क्या होंगे कई बार ऐसा होगा कि मैं आपको बोलूंगा बेटा ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आपने सुना कि सर ने बोला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समरी में लिख दो भले वो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद लिखो मैंने आपको कभी बोला कि बेटा ये वाला पॉइंट ना एमसीक्यू के लिए रेलेवेंट है आपने इमीडिएटली बगल में लिख दिया एमसीक्यू और बाद में आपने उसको समरी नोट्स में छाप दिया क्लास देखते देखते समरी नोट्स अगर बना रहे हो तो लेक्चर को पॉज करके बनाना स्पेशली मैं ऑनलाइन डाउनलोड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो बच्चे मेरे साथ लाइव में है तो वो लाइव में मैं अगर आपको समरी में नोट्स लिखने का अगर टाइम दे रहा हूं तो अच्छी बात है नहीं दूं तो आप लेक्चर कंप्लीट होने के बाद समरी नोट जरूर बनाएगा जो बच्चे ऑनलाइन डाउनलोड में है मैं तो उनको बोलूंगा कि लेक्चर को पॉज करके ही समरी नोट बना लीजिएगा आई मेरी बात समझ में कि नहीं सर कितनी डेमो क्लास मिलेंगी बेटा वैसे तो अप्रोक्सिमेटली फाइव डेमो क्लासेस है ठीक है पाँच डेमो क्लासेस में मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा कि यार चीज़ें कैसे हो रही हैं आपको मेरे टीचिंग में आ, एक क्या बोलते हैं आप फिट हो पा रहे हो कि नहीं मतलब आपको एक लिंक लग रहा है कि नहीं सिंपल सी बात है हर टीचर पढ़ाने का अच्छा होता है कोई टीचर बुरा नहीं होता ठीक है ना अगर कोई टीचर पिछले दो चार पाँच साल से दस साल से पढ़ा रहा है एस्टेब्लिश्ड है प्रूव प्रूव किया हुआ है उसके बच्चे पास हो रहे हैं तो हर टीचर अच्छा है बस पॉइंट ये है कि हमारी लिंक किससे लग रही है तो मुझे लग रहा है फाइव डेमोज आर सफिशिएंट फॉर यू टू लिंक टू टू गेट टू नो अबाउट कि यार मेरा लिंकिंग लग रहा है कि नहीं तो समरी बुक्स आपको बनाना है ध्यान रखिएगा एमसी मैं बोलूंगा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है लिख दिया आपने समरी में मैंने बोला ये वाला पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है तो भी आपने समरी में लिख दिया आई मेरी बात समझ में तो इंडेस इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन द एसएमई एक्सचेंज एसएमई एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो इसका मतलब फिर कौन सी कंपनीज है तो ध्यान से देखिए कंपनीज़ लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे इंडिया का हो चाहे आउटसाइड इंडिया का हो हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर ऐसी कोई भी कंपनी जो आइदर लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा थी 500 करोड़ या उससे ज्यादा है वो कंपनी के ऊपर इंडेस पहले फेज में 16 17 से एप्लीकेबल हो चुका है फर्स्ट फेज में सिक्सटीन सेवनटीन से एप्लीकेबल हो चुका है आई मेरी बात समझ में अच्छा दोस्त हु आर नॉट 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 अंडरस्टैंडिंग हिंदी हिंदी और अंडरस्टैंड बट एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट विद दिस लेक्चर्स नॉट एन इशू आई विल ऑलवेज यूज द न्यूमेरिकल वर्ड्स इन इंग्लिश डोंट वरी मैं न्यूमेरिकल वर्ड्स को इंग्लिश में ही बोलूंगा पहली बात तो पर जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं समझता है जिनको समझता है उनके लिए लेक्चर है ये ये बैच है जिनको बिल्कुल नहीं समझता है उनके लिए मैं बता दूं दे दे विल गेट द इंग्लिश बैच आल्सो इन फर्दर डेज फर्दर अपकमिंग डेज में मैं इंग्लिश बैच का भी प्लानिंग करूंगा चलिए तो सर ये बात समझ में आ गई कि नहीं ये सबको बात समझ में आ गई कि नहीं मुझे जल्दी ये रिपीट करके बताइए सब लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी सब लोग मेरे साथ आइए एक्सचेंज कोई भी हो इंडिया, इंडिया के बाहर हो जिसकी नेटवर्थ फाइव हंड्रेड करोड़ नेटवर्थ ऑफ मोर देन और इक्वल टू फाइव हंड्रेड अब चाहे लिस्टेड कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो जिसकी नेटवर्थ क्या है फाइव हंड्रेड करोड़ या उससे ज्यादा नेटवर्थ जिसकी फाइव हंड्रेड करोड़ या उससे ज्यादा हो आई मेरी बात समझ में नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो चाहे लिस्टेड चाहे अनलिस्टेड सिर्फ एसएमई एक्सचेंज में जो लिस्टेड है कंपनी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा तीसरा होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट ऑफ द अबव मान लो ए लिमिटेड के ऊपर ए लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है उसके ऊपर इंडेक्स लग रहा है अब ए लिमिटेड की सभी सब्सिडी कंपनीज के ऊपर एसोसिएट कंपनीज के ऊपर ज्वाइंट वेंचर्स के ऊपर वो पर्टिकुलरली लग जाएगा क्या लग जाएगा इंडियस लग जाएगा तो दूसरा अगर मैं एक सब्सिडी कंपनी हूं और मेरे इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से मेरी नेटवर्थ फाइव हंड्रेड करोड़ से ज्यादा है तो मेरे ऊपर इंडियस लग रहा है सिक्सटीन से तो मेरी होल्डिंग कंपनी के ऊपर भी लग जाएगा ठीक है मेरे एसोसिएट के ऊपर भी लग जाएगा मेरे जॉइंट वेंचर के ऊपर भी लग जाएगा भाई मेरी बात समझ में बोलो बेटा क्लियर हुआ से नहीं तो इंडेस फर्स्ट फेज में कब एप्लीकेबल करवाया गया फर्स्ट फेज में एप्लीकेबल करवाया गया फाइनेंशियल ईयर 16 17 से ठीक है अब फाइनेंशियल ईयर 16 17 ध्यान से इस चीज को समझिएगा ध्यान से मेरी इस बात को समझिएगा आइए मैं एक अलग से एडिशनल नोट्स बना देता हूं ध्यान से देखिएगा सबसे पहले तो रोडमैप ऑफ इंडिया रोड मैप ऑफ इंडियास अब ध्यान से देखिएगा मैंने कहा इंडेस एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर सिक्सटीन सेवनटीन से यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका फर्स्ट अप्रैल सिक्सटीन ये हो गया थर्टी फर्स्ट मार्च सेवेंटीन ये हो गया आपका फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल ईयर अगर इंडेस एस यहां से लगेगा तो ये तो हो गया आपका करंट ईयर एक तरीके से ही हो गया करंट ईयर तो जब आप करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाओगे करंट ईयर का पेंडल बनाओगे तो आपको प्रीवियस ईयर के भी फिगर्स लिखने पड़ते ये हो गया आपका अप्रैल ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर तो रोडमैप में, में ये लिखा हुआ है एमसी का नोटिफिकेशन जब आया है, तो ये लिखा हुआ है कि जब आप इंडिया फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल करोगे सिक्सटीन सेवनटीन से तो उस टाइम पर जब आप अपनी पहले साल की बैलेंस शीट बनाओगे पी एंडल बनाओगे तो आपको कंपेरेटिव फिगर भी तो चाहिए होंगे तो आपको फिगर भी इनडेस के हिसाब से ही रखने हैं तो प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी आपको इंड एस वाले ही चाहिए आप अगर करंट ईयर में इंडिया अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर के फिगर्स को भी इनडेस के हिसाब से लाना पड़ेगा पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू आपको प्रीवियस ईयर की बिगनिंग पे प्रीवियस ईयर की बिगिनिंग पे यहां पर से आपको इंड एएस एक्चुअल में फॉलो करना पड़ेगा मतलब अगर आप इंडेस करंट ईयर में लगा रहे हो तो आपको रिट्रोस्पेक्टिवली प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग से लगाना पड़ेगा आपको हर एक एंड एस को लगाना पड़ेगा रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्योंकि प्रीवियस ईयर के फिगर्स को भी आपको इंडेस के हिसाब से लाना पड़ेगा तो आपको प्रीवियस ईयर की जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ओपनिंग बैलेंस शीट उसको आपको इंडेस के हिसाब से बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर एस पर इंडेस अब ना ये जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं ना ये आपके समरी नोट्स की बातें नहीं है मैंने आपको बोला ना दो रजिस्टर आपको बनाना है एक क्लास रजिस्टर और एक समरी नोट्स ये समरी नोट्स में नहीं जाएगा ये क्लास रजिस्टर में तुम लोग मेरे साथ लिख सकते हो अगर साथ साथ कर, लिखते जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं पर साथ साथ अगर लिख रहे हो तो क्लास रजिस्टर में लिखना ठीक है नहीं लिख रहे हो किसी को लिखने का ज्यादा आदत नहीं है कोई बात नहीं ये सारे नोट्स जो भी हैंड रिटन नोट्स है मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर मैं ना लिखूं तो चलेगा क्या कोई बात नहीं पर मैं आपको बोलूंगा कि ऐसी बातें भले मत लिखो पर जब मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करोगे तो नलायक लिख लेना नहीं तो बहुत बुरा फंसोगे एग्जाम में चलिए विल बी द ओपनिंग इंडे बैलेंस शीट डेट और फर्स्ट अप्रैल फिफ्टीन को कहा जाएगा ट्रांजिशन डेट क्या कहा जाएगा ट्रांजिशन डेट ट्रांजिशन डेट मतलब एक्चुअल में इस डेट से इंडेस को हम रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करवा रहे हैं इसको कहेंगे ट्रांजिशन डेट कुछ आया समझ में तो ध्यान से देखिए अब हमारे रोड मैप में भी वही लिखा हुआ है रोड मैप में वही लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा ये देखिए अगर फाइनेंशियल ईयर सिक्सटीन सेवनटीन से आप अप्लाई करते हो दैट इज ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च सेवनटीन तो आपको ये करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया तो आपको कंपैरेटिव पीरियड भी फिफ्टीन सिक्सटीन आपको इंडेस के हिसाब से बनाना पड़ेगा कंपैरेटिव पीरियड एस पर इंडेस यहां लिख देना एस पर इंडेस कंपैरेटिव पीरियड भी आपको इंडेस के हिसाब से बनाना पड़ेगा ट्रांजिशन डेट फॉर ओपनिंग इंडेस बैलेंस शीट क्या मुझे ओपनिंग इंडेस बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी हाँ अगर मैं पहली बार इंडेस एडॉप्ट कर रहा हूं वेन आई एम एडॉप्टिंग द इंडेस फर्स्ट टाइम ओपनिंग इंडिया सोलह सत्रह के लिए तो पड़ती है ट्रांजिशन डेट की जरूरत क्यों पड़ती है ट्रांजिशन डेट की जरूरत पड़ती है? है जब भी हम इंडे एस पहली बार जब भी हम इंडे एस पहली बार एडॉप्ट करते हैं तो हमें ट्रांजिशन डेट की जरूरत पड़ती है बिकॉज हमें जब इंडियास अडॉप्ट करना होता है तो हम उसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन देते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर ठीक है आई मेरी बात समझे की नहीं सो वाई ट्रांजिशन डेट ट्रांजिशन डेट क्यों ट्रांजिशन डेट इसीलिए वेन इंडेस फॉलोड फर्स्ट टाइम जब मैं इंडियास पहली बार फॉलो करूंगा फर्स्ट टाइम देन एंटिटी हैज टू अप्लाई इंडियास रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर इमीजिएटली प्रिस ईयर बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर उसके हिसाब से एंड प्रिपेयर ओपनिंग इंडेस बैलेंस शीट एज ऑन ट्रांजिशन डेट ट्रांजिशन डेट पर उसको ओपनिंग इंडेस बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी आई मेरी बात सर में बस सर यही रीजन होता है हाजी ट्रांजिशन डेट दो जगह काम आता है पहली जगह मैंने आपको बता दिया जब आप इंडेयस को फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करोगे जब आप इंडेयस को फर्स्ट टाइम फॉलो करोगे तब आपको इंडेयस को रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है और आपको ट्रांजिशन डेट पर ओपनिंग इंडेस बैलेंस शीट बनानी है एक और रीजन से आपको ओपनिंग इंडेस बैलेंस शीट बनानी पड़ती है आप इंडेस फॉलो कर चुके हो इंडियस चल रहा है दो चार साल हो चुके हैं पांच साल दस साल हो चुके हैं इंडिया करते हुए दस साल तो किसी को नहीं हुए होंगे बिकॉज़ 2016 से तो पहली बार स्टार्ट हुआ और अभी 2024-25 भी अगर मान लो चल रहा है तो भी दस साल नहीं हुए होंगे बट फिर भी मान लो अगर आगे चल के कोई कंपनी में एरर फाइंड आउट होता है क्या फाइंड आउट होता है एरर प्रायर पीरियड एरर याद होगा ए में आपने पढ़ा रखा था में 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 पढ़ रखा था था आपने intermediate में. AS5 में आपको पढ़ा जाता था, prior period items करके तो अगर entity को आगे चल के कोई आउट होता है तो उस error को rectify करने के लिए again, हमें opening बनाने, बनानी पड़ती है कैसे current year में मुझे एरर फाइंड आउट हुआ मुझे उसको रेक्टिफाई करना है तो मैं उसका रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीकेशन दूंगा प्रीवियस ईयर के बिगनिंग से मान लीजिए मेरा करंट ईयर ट्वेंटी फोर है तो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी होगा प्रीवियस तो मतलब पर मुझे अगेन बनाना पड़ेगा ओपनिंग इंडियज बैलेंस शीट पर मैं अभी आपको वो चीज लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि वो इंडिया में बताई गई है तो ओपनिंग इंडियज बैलेंस शीट हमें इसलिए बनानी पड़ती है ठीक है चलिए ये सबको समझ में आएगी नहीं तो जब भी आप को फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करोगे पहले पेज में अडॉप्ट किया गया इन कंपनीज के द्वारा जिनकी नेटवर्थ 500 हंड्रेड करोड़ आपसे ज्यादा थी चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी हो और दूसरा होल्डिंग पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर ये सभी कंपनीज के ऊपर से फॉलो किया गया इनका प्रीवियस ईयर हो गया इनका फिफ्टीन सिक्सटीन और इनका ट्रांजिशन डेट हो गई फर्स्ट अप्रैल फिफ्टीन क्लियर अब एक और बात वॉलेंट्री कंप्लाइंस आपको दिख रहा है ये देखो ऑप्शनल करके दिख रहा है आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दिख रहा है ना ये क्या है फर्स्ट फेज में जो भी कंपनीज फॉलो हो रही हो रही हैं उनको यह कहा गया था कि आप अगर चाहते हो सिक्सटीन uh, सेवनटीन से भी पहले फॉलो करना क्योंकि देखो नोटिफिकेशन कब आ गया था फरवरी 2015 में और फरवरी 2015 के बाद नया ईयर कब स्टार्ट हो रहा होगा फर्स्ट अप्रैल 15 तो उनको एक ऑप्शन दिया गया कि अगर आप फेज वन वाले कंपनीज हो जिनके ऊपर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप चाहो तो हम आपको एक ऑप्शन देते हैं आप इंडेस को वॉलेंट्री फिफ्टीन सिक्सटीन से भी फॉलो कर सकते हो फिफ्टीन सिक्सटीन से कर सकते हो सिक्सटीन 17 तो मैंडेटरी हो गया इन कंपनीज के लिए पर यही सेम कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है चाहे लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड हो और उनके होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर उनको एक ऑप्शन दिया गया कि आप इंडेस को प्रीपोन कर सकते हो 15, 16 से फॉलो कर सकते हो अगर आपने 15, 16 से फॉलो किया तो आपके कंपैरेटिव कौन से हो जाएंगे 14, 15। आपको कंपैरेटिव में भी इंडेस लगाना पड़ेगा अब आपको रिट्रोस्पेक्टिवली लगाना है तो आपको ट्रांजिशन डेट आपकी हो जाएगी फर्स्ट अप्रैल फोर्टीन ठीक है चलिए आपको फेज वन सबको क्लियर है कि नहीं बताओ फेज वन सबको क्लियर है कि नहीं फेज वन फेज वन कब से अप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल सिक्सटीन फाइनेंशियल ईयर सिक्सटीन सेवनटीन तो सर ये तो आप गलत लिख रहे हो फर्स्ट अप्रैल सिक्सटीन लिख रहे हो आप जबकि ये तो वॉलेंट्री है फिफ्टीन सिक्सटीन बेटा वो वॉलेंट्री है ना अपने को मेन मैंडेटरी पर ध्यान देना है ठीक है तो ये हो गया सर फेज वन में कौन कौन आ गया फेज वन में कौन कौन आ गया सारे के सारे लिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ इक्वल टू और मोर देन फाइव हंड्रेड करोड़ है सारे के सारे अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ इक्वल टू और मोर देन फाइव हंड्रेड करोड़ है और इन सभी के होल्डिंग सब्सिडी जेवी और एसोसिएट कंपनीज ये सब हो गई आपकी फेज वन में क्लियर हुआ सबको अब मुझे बताओ अब मैं बिना वहां पे बुक में जाके मैं फेज टू आपके साथ ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूं आइए फेज टू में क्या होगा पिता, फेज टू जो होगा वो अप्लीकेबल होगा अप्लीकेवल, अप्लीकेवल विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल सेवनटीन मतलब जस्ट अगला साल फाइनेंशियल ईयर सेवनटीन एटीन ये कौन सा था सिक्सटीन सेवनटीन सिक्सटीन सेवेंटीन ये कौन सा हो गया सेवेंटीन एटीन ये किसके ऊपर लगेगा ध्यान से सुनो ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज नो नीड टू चेक नेटवर्थ हेयर मतलब अगर यहां पर कोई लिस्टेड कंपनी है जिसकी नेटवर्थ फाइव हंड्रेड करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो फेज वन में आ गई पर जिसकी नेटवर्थ फाइव हंड्रेड करोड़ से कम है फोर हंड्रेड करोड़ है थ्री हंड्रेड करोड़ है टू हंड्रेड करोड़ है इसलिए मैंने लिखा ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज ठीक है ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज हुज़ नेटवर्थ बिलो 500 करोड़ जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है तो अब आपको बाकी का नेटवर्थ चेक करने की जरूरत नहीं है कि सर 100 करोड़ है सर 100 करोड़ सर 200 करोड़ सर 50 करोड़ सर नेगेटिव नेटवर्थ एवरी अदर कंपनी एवरी अदर लिस्टेड कंपनी विल बी कवर्ड हेयर फ्रॉम सेवनटीन एटी ठीक है फिर अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड हुज नेटवर्थ ज नेटवर्थ इज मोर देन और इक्वल टू टू फिफ्टी क्रोड्स बट लेस देन फाइव हंड्रेड क्रोड्स लेस देन फाइव हंड्रेड क्रोड्स जिसकी नेटवर्थ ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्क टू फिफ्टी करोड़ से ज्यादा है टू फिफ्टी करोड़ टच भी हो गई तो भी वो आ जाएगी फेज टू में या टू फिफ्टी करोड़ से ज्यादा बट फाइव हंड्रेड करोड़ से कम है क्योंकि करोड़ से अगर ज्यादा थी तो वो फेज में आ जाती तो वो सारी की सारी अनलिस्टेड कंपनी जिनकी मिनिमम नेटवर्क टू फिफ्टी करोड़ है उनके ऊपर इंडेक्स लगता है तो मुझे प्यारे बच्चों मुझे बताओ चलो आप बताओ जिस कंपनी की जो कंपनी अनलिस्टेड है मुझे बताओ अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है जवाब देना और उसकी नेटवर्थ 200 करोड़ है प्लस उसकी कोई भी होल्डिंग नहीं है सब्सिडी नहीं है जेवी नहीं है एसोसिएट नहीं है नहीं तो बाद में तुम्हारा डाउट आ जाएगा कि सर वो मान लो हुआ तो होल्डिंग सब्सिडी हुआ तो छोड़ दो वो भी नहीं है मुझे बताओ इसके ऊपर इंडेस लगेगा या नहीं लगेगा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा अगर इंडेस नहीं लगेगा तो क्या लगेगा और अगर इंडेस लगेगा तो फिर बता दो कि लगेगा कि नहीं लगेगा जल्दी बताओ सोच के बताओ सोच के बताओ नॉट एप्लीकेबल एएस नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल ए एस एप्लीकेबल ए एस नो एस एप्लीकेबल नो सर एस वेरी गुड तो इसके ऊपर इंडेस नहीं लगेगा एएस इसके ऊपर इनडेस नहीं लगेगा एएस लगेगा आई मेरी बात समझ में बोलो बच्चों क्लियर है सबको चलिए और बाकी का वही सेम होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट सर इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाऊंगा ना बहुत सारे एग्जाम्पल डोंट डौ, वरी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो ये हो गई आपकी फेज टू में तो फेज वन कौन से ईयर से स्टार्ट होता है सिक्सटीन सेवेंटीन फेज वन कौन से ईयर से सेवनटीन फेज टू सेवन एटीन अगर 17, तो सेवनटीन तो है ना सेवनटीन एटीन तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया सिक्सटीन सेवनटीन तो ट्रांजिशन डेट कौन सी होगी फर्स्ट अप्रैल सिक्सटीन ठीक है बोलो जी क्लियर हुआ आइए तो ये वही लिखा हुआ है सब कुछ वही लिखा हुआ है कि सर फर्स्ट अप्रैल सेवनटीन से स्टार्ट हो जाएगा सर यहां पर कंपनीज लिस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग वो एक्सचेंज वाली कंपनी नहीं आएगी जिसकी नेटवर्थ सर 500 करोड़ से कम है अब देखो ध्यान से 500 करोड़ से कम लिख रहा है फिर भले जीरो नेटवर्थ हो भले नेगेटिव नेटवर्थ हो इवन नेगेटिव नेटवर्थ इवन नेगेटिव नेटवर्थ भले नेगेटिव नेटवर्थ हुई तो भी वो कवर हो जाएगी बस लिस्टेड होनी चाहिए फिर उसके बाद अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ मोर देन और इक्वल टू टू फिफ्टी करोड़ बट लेस देन फाइव हंड्रेड करोड़ होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी ये हो गया आपका मैंडेटरी कंप्लाइंस 1718 Previous year, 16 और आपका 1st April 16, voluntary compliance एक साल पहले voluntary compliance 16 तो आपका comparative जाएगा हो जाएगा कम्प्लाइन सिक्स और ओपनिंग इंडेज बैलेंस जाएगी 15 की बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं तो ये होता है आपका रोड मैप अभी रोड मैप का मैंने मेन पार्ट तो पढ़ा दिया पर इससे जुड़ा हुआ कुछ कुछ पार्ट अभी और जरूरी है जैसे नेटवर्थ सर 500 करोड़ कैसे निकालेंगे नेटवर्थ में क्या क्या आएगा किस दिन की नेटवर्थ देखनी है ठीक है सर होल्डिंग सब्सिडरी के अंदर कौन कौन सी चीजें एक्सेप्शनल है कौन से आएंगी कौन से नहीं आएंगी सर फॉरन सब्सिडरी हुई तो क्या करेंगे सर फॉरन होल्डिंग हुई तो क्या करेंगे ये सारी बातें बची हुई हैं और इसके अलावा बैंकिंग एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी का क्या होगा ये सारी बातें बची हुई है तो लोड मत लो करवाता हूँ मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बहुत ही छोटा सा टॉपिक है रोड मैप का अभी आधे पौन घंटे में मतलब आधे घंटे में खत्म हो जाएगा फिर अपन इसके कुछ केसेस देखेंगे ठीक है एक ब्रेक भी लेंगे पर ब्रेक से पहले अपन ये पूरा टॉपिक कंप्लीट भी कर लेंगे डोंट वरी चलो अभी आते हैं सर ये नेटवर्थ का फंडा क्या है सर नेटवर्थ का फंडा क्या है बेटा नेटवर्थ को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट में ही तो नेटवर्थ को कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन से ही लिया गया है और यह बताएगा कि नेटवर्थ में क्या क्या आएगा तो ध्यान से देखो नेटवर्थ में क्या क्या आएगा ये देखिए नेटवर्थ में क्या क्या आएगा तो नेटवर्थ में टोटल पेड अप कैपिटल सर टोटल पेड अप बोल रहा है मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इक्विटी प्रेफरेंस फ्री रिजर्व एक्सक्लूडिंग रिवोल्यूशन रिजर्व रिवोल्यूशन रिजर्व नहीं आएगा सर रिवोल्यूशन रिजर्व सर वही वो पीपी वाला पीपी को रिवोल्यूशन करेंगे हां जी ठीक है प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस एक्ूमुलेटेड लॉसेस माइनस डेफर्ड एक्सपेंडिचर डेफर्ड एक्सपेंडिचर माइनस क्यों कर रहे हैं बेटा एक्चुअली ना डेफर्ड एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा तुमने अभी तक पेन्डल में राइट ऑफ नहीं किया है जिसको तुम अमोटाइज करोगे थोड़ा थोड़ा करके हर साल में तो अगर कोई डेफर्ड एक्सपेंडिचर है तो उसको हम मान के चलते हैं कि वो बेसिकली होना तो राइट ऑफ ही है

को तो पूरी तरीके से पेएनएल में चार्ज नहीं कर पाते हो बिकॉज उसके अगेंस्ट हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो बाकी का डेप्रेशन जो बचता है जो रहता है वो अरियर ऑफ डेप्रेशन छोड़कर तो अरयर्स ऑफ डेप्रेशन रिटर्न बैक ऑफ डेपरेशन को छोड़कर बाकी डेफर्ड एक्सपेंडिचर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जितना भी दिख रहा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो सब माइनस हो जाएगा एक यहां पर एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड शायद थोड़ा सा लैग आ गया था लेग था ना? था अभी ठीक है? है? है अभी ठीक है और चल चल सर रिटर्न बैक वाला पॉइंट नहीं समझ है रिटर्न बैक वाला पॉइंट मतलब सपोज तेरे पास आज डेप्रीसिएशन तूने करंट ईयर का लगाया टेन लाख रुपीस टेन लाख रुपीस का तूने डेप्रीसिएशन लगाया पर तेरे पास उसके अगेंस्ट में कोई प्रॉफिट जो है वो है सिर्फ एट लाख रुपीस का तो तूने कितना डेप्रीसिएशन लगाया तूने दस लाख का तो कुछ कंपनीज क्या करती है तो बोलती है कि यार मेरे पास बाकी का दो लाख का डेप्रीसिएशन बच गया क्या करूं एक काम करते हैं उसको फिलहाल पेंडल में राइट ऑफ ना करके उसको फिलहाल हम रिजर्व सरप्लस में अलग से दिखा देते हैं ऑफ के नाम पे अगले साल जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो अगले साल का तो डेप्रिशन माइनस करेंगे ही करेंगे पर ये वाला भी माइनस कर लेंगे कुछ आई मेरी बात समझ में कि नहीं उसको बोलते हैं रिटर्न बैक सो अगर मान लो आपके पास कोई अरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन पड़े हुए हैं तो उसको छोड़कर उसको माइनस नहीं करना है तो बेसिकली आपको नेटवर्थ निकालते वक्त पेड अप कैपिटल लेना है सारे के सारे रिजर्व्स लेने हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़कर अगर लॉसेस है तो वो माइनस करने हैं डेफर्ड एक्सपेंडिचर है तो वो माइनस करना है ठीक है ये सब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है तो वो माइनस करना है रिटर्न बैक ऑफ डेपरेशन छोड़कर इसके अलावा ईसॉप रिजर्व ईसॉप रिजर्व इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसॉप में रिजर्व बनाना पड़ता है जब हम ईसॉप की अकाउंटिंग करते हैं ईसॉप की अकाउंटिंग आपको सीए फाइनल में भी सिखाई जाएगी ईसॉप रिजर्व को भी कवर यहां पर कुछ बताया गया है और इसके अलावा ए एस ट्वेल्व के हिसाब से अगर तुमने तुम्हें जब गवर्नमेंट ग्रांट मिला था तो मान लो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन वाला ग्रांट मिला था तुमने उसको कैपिटल रिजर्व 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 में डाल दिया तो एंड कैपिटल मेड आउट ऑफ ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट बी पार्ट नेटवर्थ फॉर द पर्पज पार्ट ऑफ नेटवर्थ फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग इंडिया एप्लीकेबिलिटी ये बहुत जरूरी है इसको तुम समरी में डाल देना कि नेटवर्थ के लिए ईसॉप रिजर्व और कैपिटल रिजर्व मेड आउट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट ईसॉप रिजर्व एक अलग है और दूसरा है कैपिटल रिजर्व मेड आउट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट तो जो गवर्नमेंट ग्रांट वाली बात है वो सिर्फ कैपिटल रिजर्व के ऊपर अपलीकेबल होती है ईसॉप के ऊपर नहीं तो ईसॉप रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व मेड आउट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट अदर कैपिटल रिजर्व नहीं इन दोनों को नेटवर्क के लिए फॉलो कवर करेंगे अदर कैपिटल रिजर्व शेल बी इग्नोर लिख लेना अदर कैपिटल रिजर्व शेल बी इग्नोर्ड बाकी के कैपिटल रिजर्व को इग्नोर किया जाएगा चलो आगे बढ़े तो ये हो गया तुम्हारा नेटवर्थ नेटवर्थ में क्या क्या आएगा? सर नेटवर्थ हमें किस दिन की देखनी है मैंने तुम्हें बताया था नोटिफिकेशन कब आया था 2015 में याद है तुम्हें ठीक है नोटिफिकेशन जब आया 2015 में तो नोटिफिकेशन के टाइम पे ये बोला गया कि नेटवर्थ आपको देखनी है थर्टी मार्च टू की आपको नेटवर्थ सबसे पहले देखनी है अपनी थर्टी 31 मार्च फोर्टीन की पता है क्यों सोचो अगर नोटिफिकेशन में यह बोला जाए कि तुम्हें नेटवर्थ देखनी है आगे की फरवरी 2015 पे मैं खड़ा हूं और उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें नेटवर्थ देखनी है 2015 मार्च की मार्च 2015 की तो कहीं ना कहीं एंटिटीज के पास स्कोप होता नेटवर्थ में चेंजेस करने का अगर उनको इंडीएस फॉलो नहीं करना है तो आ रही है मेरी बात समझ में तो ये स्कोप कम से कम हो ना के बराबर हो ये करने के लिए उन्होंने सोचा कि यार अभी तक तो मैक्सिमम एंटिटीज की बैलेंस शीट फाइनलाइज हो गई होगी ऑडिटेड हो चुकी होगी लिस्टेड कंपनीज की तो हो ही गई होगी तो थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन हम खड़े हैं नोटिफिकेशन डेट है, है 2015 का और उसमें कहा गया कि थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन की आपको नेटवर्थ चेक करनी है उसके बेसिस पर देखा जाएगा कि आप फेज वन में आ रहे हो कि फेज टू में आ रहे हो कि आप नहीं आ रहे हो पर अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो 31 मार्च 14 में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी 31 मार्च 14 के बाद एग्जिस्ट कर रही थी या अगर आप ऐसी कंपनी हो जिसकी नेटवर्क 31 मार्च 14 पे तो 500 करोड़ या 250 करोड़ मैच नहीं हो रही थी पर उसके बाद अगली 31 मार्च 15 या 16 में नेटवर्थ मैच हो रही थी तो फिर ऐसे केस में फिर थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन के बाद जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेटवर्थ मैच हो रही है उसके हिसाब से आप इंडिया की एप्लीकेबिलिटी करोगे ठीक है तो इसको मैं कैसे बता सकता हूं इसको सुनिए ध्यान से थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन यहां मेरी नेटवर्थ है सिक्स हंड्रेड करोड़ चलो बताओ इंडेस लगेगा कि नहीं लगेगा यह है आपका केस वन केस वन चलो मुझे रिप्लाई करो जल्दी आंसर करो थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन में मेरी नेटवर्थ है सिक्स हंड्रेड करोड़ क्या करेंगे यस क्या होगा इंडेस follow with effect from first April sixteen, first April sixteen से लग जाएगा ठीक है अब सुनो case two, case two, thirty first March fourteen, यहां है नेटवर्थ 400 हंड्रेड करोड़ थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन यहां है नेटवर्थ फाइव हंड्रेड टेन करोड़ बताओ मेरे ऊपर इंडेस लगेगा कि नहीं लगेगा सबसे पहले कहा गया कि क्या नेटवर्थ फोर्टीन की चेक करोगे हाँ क्या वहां पर तुम्हारी फोर हंड्रेड करोड़ है तो फोर हंड्रेड करोड़ है वहां पर चलो ठीक है फोर हंड्रेड करोड़ है तो फेज टू में आ सकते हो पर रुक जाओ अभी भी तुम्हारा फेज वन कहां से एप्लीकेबल होता है बेटा फेज वन का मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी कहां से 16, ना, तो 16, के जस्ट पहले जितनी भी बैलेंस जितनी भी बैलेंस कहीं मैच हो रहा है क्या तो मैंने बोला यार 15 भी तो आ रहा है 2015 में, में मेरी नेटवर्थ 510 करोड़ हो गई यहां पर मैं बोलूंगा इंड एस फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल सिक्सटीन मतलब फाइनेंशियल ईयर सिक्सटीन सेवनटीन मतलब फेज वन मतलब स्टिल फेज वन हाजी स्टिल फेज वन स्टिल फेज वन इंडियस लगेगा पर कौन से फेज से लगेगा फेज वन से ही लगेगा बिकॉज फेज वन मैंडेटरी कब से शुरू होता है सिक्सटीन सेवनटीन से 16 17 से मैंडेटरी शुरू होता है तो बेसिकली अगर 16 17 से मैंडेटरी शुरू होता है फिर तो आपको तो लगाना ही पड़ेगा ना फिर तो लगाना ही पड़ेगा आपको उससे पहले तो आपकी 510 हो गई ना तो मैंडेटरी फाइनेंशियल ईयर से पहले अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ टच हो जाती है तो आपको लगाना पड़ेगा ठीक है चलो नेक्स्ट थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन थर्टी फर्स्ट मार्च सिक्सटीन नेटवर्थ थ्री हंड्रेड करोड़ नेटवर्थ फोर हंड्रेड करोड़ नेटवर्थ फाइव हंड्रेड टेन करोड़ चलो अब बोलो अब बोलो ये सब लिखना है रजिस्टर पे आ... मत लिखो आप अभी मत लिखो क्योंकि ये सब चीजें अभी मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करूंगा पूरा ये वाला ये वाला तो आपको इसमें सब रिपीट हो जाएगा ठीक है मत लिखो अभी चलो बताओ कब से एप्लीकेबल होगा पोलो इंडियस फ्रॉम जल्दी बोलो पोलो इंडियस फ्रॉम जल्दी बोलो क्या आपका मैंडेटरी ईयर सिक्सटीन सेवनटीन होता है फर्स्ट ईयर फर्स्ट फेज का हाँ क्या सिक्सटीन सेवनटीन से पहले इवन एक दिन पहले क्या नेटवर्क क्रॉस हो गई हाँ ध्यान से देखो मैंडेटरी ईयर आपका 16, है और ये आपका ईयर एंडिंग है ईयर एंडिंग है 16, मतलब 15, 16। सोच के बताओ मैंने कहा था कि जो भी आपका मैंडेटरी ईयर है जो वहां जो ईयर है उससे इमिजिएट पहले आपकी नेटवर्क क्रॉस हो रही है कि नहीं तो यस इंडिया इज एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल सिक्सटीन मतलब अगेन सिक्सटीन सेवनटीन अगेन सिक्सटीन सेवनटीन ठीक है सिक्सटीन सेवनटीन शुभम जैन समझ में आया सिक्सटीन सेवनटीन आपका मैंडेटरी है उससे इमीडिएटली उससे इमिडिएटली पहले आपकी नेटवर्थ क्रॉस हो गई ठीक है चलो केस फोर केस फोर थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन नेटवर्थ थ्री हंड्रेड करोड़ थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन नेटवर्थ फोर हंड्रेड करोड़ थर्टी फर्स्ट मार्च सिक्सटीन नेटवर्थ फोर एटी करोड़ थर्टी फर्स्ट मार्च सेवनटीन नेटवर्थ फाइव हंड्रेड एंड टेन करोड़ चलो अब बताओ कौन सा फेस अब बताओ कौन सा फेस कौन सा फेस जल्दी बोलो इंडियास कब से एप्लीकेबल होगा सोचो फॉलो इंडियस फ्रॉम कौन से ईयर से? सर मैंडेटरी ईयर फेज वन का तो तो था, सर वो तो निकल गया ना तब तो एप्लीकेबल हो नहीं पाया अब तो बस अब, अब तो सर कोई ऑप्शन ही नहीं ना अब तो फेज टू ही करना पड़ेगा ना अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि फेज वन तो निकल चुका है ना हाथ से जब फेज वन हाथ से निकल गया तो फेज टू ठीक है फर्स्ट अप्रैल सेवनटीन फाइनेंशियल ईयर सेवनटीन एटीन जब हाथ से फेज वन निकल गया तो अब फेज टू ठीक है अच्छा एक और थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन नो एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटी एंटिटी थी नहीं थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन को एंटिटी नहीं थी टिल थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी अरे इस बीच में कोई कंपनी थी नहीं थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन से थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थी नहीं फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी इनकॉर्पोरेट कंपनी इनकॉरपोरेट हुई फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी को इनकॉरपोरेट हुई और यहां बन गई लिस्टेड लिस्टेड ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी थ्री लिस्टेड यहां बनी लिस्टेड यहां बनी लिस्टेड यहां बनी चलो बताओ इंडेस लगेगा कि नहीं लगेगा और लगेगा तो कहां से लगेगा इंडेस लगेगा कि नहीं लगेगा लगेगा तो कहां से लगेगा सर <णटवाग> इंडेस तो लगेगा लिस्टेड कंपनी है इंडेस तो लगेगा सर पर कहां से लगेगा इनकॉर्पोरेट हुई थी फर्स्ट अप्रैल 20 में पर लिस्टेड हुई फर्स्ट अप्रैल 23 को तो जब से लिस्टेड हुई तब से मान लो यहां उसकी सपोज यहां उसकी नेटवर्थ यहां उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ थी 20 में 20 21 में 21 22 में 22 23 में नेटवर्थ मान लो 250 के नीचे ही थी यहां से एप्लीकेबल हुआ ठीक है जब लिस्टेड हुई तो ind एस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23 24 जब से लिस्टेड हुई तब से इंडस लग जाएगा पर मान लो उससे पहले वो अनलिस्टेड थी और उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ के आसपास ही थी तो इंडस नहीं लगेगा पर मान लो लिस्टेड होने से पहले ही उसकी नेटवर्थ क्रॉस हो गई थी 250 से ज्यादा तो जिस दिन उसकी नेटवर्थ क्रॉस हुई थी अगले साल से वो नेट लगा लेगी ठीक है अगले साल से उसके ऊपर इंडेक्स लग जाएगा ऐसे कई सारे केसेस हैं, ऐसे कई सारे केसेस हैं जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं। ध्यान रखिएगा मैं इसको बुक में से भी करवाऊंगा ठीक है चलिए तो आपको नेटवर्थ का फंडा समझ में आ गया सर नेटवर्थ हमें कब की देखनी है बेटा नेटवर्थ थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन की तो देखनी है पर

सर नेटवर्थ लिस्टेड इसलिए इंडिया लग गया पर सर नेटवर्थ वापस से नीचे आ गई तो या मैं लिस्टेड से अनलिस्टेड हो गया तो बेटा इंडे एस वंस अप्लीकेबल शेल ऑलवेज भी अप्लीकेबल इंडे एस वंस रिक्वायर टू बी कंप्लाइड शेल अप्लाई टू बोथ स्टैंडर्ड एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलवेज ऑलवेज एक बार इंडिया अप्लाई हो गया तो उसके बाद इंडे के बाद वापस आप एएस पे नहीं आ सकते हो इंडेस वंस अपलीकेबल शेल ऑलवेज भीबल इंडेस वंस अपीकेबल शेल ऑलवेज भीबल ठीक है बोलो बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं तक कोई दिक्कत ये मैंने बता दिया जो कंपनीज एग्जिस्टेंस में नहीं थी थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन को या जिनकी नेटवर्क थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन के बाद क्रॉस हुई तो अकॉर्डिंगली उनको उस हिसाब से फिर उनका एप्लीकेबिलिटी होगा उनको थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद इंडियन कंपनी हूं मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ से क्रॉस हो रही है या मेरे ऊपर इंडिया लग रहा है चाहे फेज वन है चाहे फेज टू है तो मेरे सब्सिडरी के ऊपर भी लगेगा मेरे जॉइंट वेंचर के ऊपर लगेगा मेरे एसोसिएट के ऊपर लगेगा पर सर मेरी एक फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है सर मेरी एक फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है सर सर उसके ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा चलो बताओ मेरी एक फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है ओवरसी सबसिडरी कंपनी है मेरी एक फॉरेन जॉइंट वेंचर है फॉरेन एसोसिएट है उसके ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा तो ध्यान से सुनिए फॉरन सब्सिडी फॉरन एसोसिएट फॉर ज्वाइंट वेंचर जब अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके ऊपर इंडेस नहीं लगाएंगे बिकॉज उनके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर उनके खुद के कंट्री के लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे इंडिया के क्यों होंगे पर वही फॉरेन सब्सिडी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट को जब हम अपने साथ कंसोलिडेट करेंगे इंडिया में तो फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन हमें उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले इंडिया करना पड़ेगा ठीक है तो फॉरेन एसोसिएट इनके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंडेस नहीं लगेगा बट जब कंसोलिडेशन होगा तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले इंडेस में कन्वर्ट किया जाएगा ठीक है तो क्या लिखा है फॉरन सब्सिडरीज एसोसिएट जेवीज अदर सिमिलर ऑफ इंडियन कंपनी में प्रिपेयर स्टैंड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंटिंग जोरिस्डिक्शन उनके खुद के लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से उनके इंडेस उनके खुद के लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से एक बच्ची ने सही सवाल पूछा कि सर इंडेस क्यों आया सर सर एस काफी नहीं थे क्या आता हूं मैं दो मिनट दो मुझे दो मिनट तो नहीं मतलब थोड़ी देर दो मुझे मैं उस पर आता इंटरमीडिएट में सीए इंटरमीडिएट में जब एस पढ़ाया जाता है तो उसका पहला चैप्टर होता है Overview of AS and C .A. Intermediate में ही इंस्टीट्यूट आपको अपने मॉडल में यह बता चुका होता है कि इंडेस की जरूरत क्यों पड़ी पर फिर भी हम उसके बारे में बात करेंगे दो मिनट रुक जाओ ठीक है हा एक बच्चा पूछ रहा है सर अगर फॉरेन होल्डिंग हुई तो सर बेटा वो अगला पॉइंट है नीचे पॉइंट लिखा हुआ है तो अगर कोई फॉरेन सब्सिडी है फॉरेन फॉरेन जेवी है है एसोसिएट तो डेफिनेटली वो अपने स्टैंड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंडेस बना नहीं बनाएगी ठीक है प्रोवाइडेड दैट सच इंडियन कंपनी शेल प्रिपेयर इट्स कंसोलिटेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद इंडिया और मैंडेटरी पर जब कंसोलिडेशन होगा हमें पर बनाना पड़ेगा हमें उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अब वो हम कैसे भी करें ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं आगे बढ़े आगे बढ़े आगे इंडियन कंपनी विच इज अ अब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर ऑफ अ फॉरेन कंपनी शेल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डिंग विद इंडिया इफ इट मीट द क्राइटेरिया दैट इज बेस्ड ऑन नेटवर्क अब मैं एक सब्सिडरी हूं जो कि इंडिया में हूं इंडिया में रजिस्टर्ड हूं मेरा होल्डिंग कंपनी इंडिया में है ही नहीं मेरा होल्डिंग कंपनी यूरोप में, में है क्या मेरे ऊपर इंडेस लगेगा अगर मेरे खुद के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से मेरा खुद का नेटवर्थ अगर 250 क्रॉस कर रहा है या 500 क्रॉस कर रहा है तो डेफिनेटली मेरे ऊपर इंडेस फॉलो करना पड़ेगा मुझे अपने स्टैंड अलोन में फाइनेंशियल फॉलो करना पड़ेगा पर जब मेरा होल्डिंग कंपनी जो कि बाहर का है अगर वो कंसोलिडेशन करेगा यूरोप में बैठ के तो उसके ऊपर इंडेस नहीं लगेगा उसके ऊपर इंडेक्स नहीं लगेगा तो मेरे ऊपर मैं सब्सिडरी हूं मैं इंडिया में रजिस्टर्ड हूं मेरी नेटवर्थ के हिसाब से मेरे ऊपर इंडेक्स लगेगा पर मेरे होल्डिंग कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा बिकॉज मेरा होल्डिंग कंपनी ओवरसीज होल्डिंग है मेरा फॉरन होल्डिंग है फॉरन होल्डिंग के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉरिन कंट्री के लगते हैं ठीक है थीके? क्लियर आगे फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिया पहले साल चेक करना है बाद में अगर आपकी से हो गई, तो आप से एस पे नहीं आओगे भले आपकी नेटवर्क टू फिफ्टी करोड़ से नीचे आ जाए और आप अनलिस्टेड हो जाओ आपको एक मोरल समझ में आया फेज वन और फेज टू के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि एस इज अप्लीकेबल टू ऑल अनलिस्टेड कंपनीज हुज नेटवर्थ इज बिलो टू फिफ्टी करोड़ आपको ये पॉइंट समझ में आया ये पॉइंट आपको समरी में डालना चाहिए मैं अभी बता देता हूं ये पॉइंट आपको समरी में डालना चाहिए वो जब फॉरेन वॉरन वाला पड़ा है उसके डालने की जरूरत नहीं चंचल बोल रही फॉरेन कंपनी के एसएफएस और सीएफएस दोनों पे ही लगेगा दैट मींस। कैसे बेटा अगर मैं फॉरेन सब्सिडरी हूं और मैं अपना स्टैंड बना रहा हूं तो मेरे ऊपर नहीं लगेगा पर अगर मैं फॉरेन सब्सिड्री हूं और मेरा कंसोलिडेशन करना है किसी होल्डिंग कंपनी को जो कि इंडिया में है तो उसकी जिम्मेदारी है इंडिया लगाना मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन ओनली पर मैं खुद से इंडिया फॉलो नहीं करूंगा अगर मैं फॉरेन सब्सिड्री हूं ठीक है फॉरेन कंपनी के एसएफएस और सीएफएस दोनों पे ही नहीं लगेगा हा हा हा, हा नहीं लगेगा यस फॉरेन कंपनी चाहे होल्डिंग की हो फॉरेन कंपनी चाहे सब्सिडी हो होल्डिंग फॉरेन 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 कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इंडिया नहीं लगेगा तो ये बढ़िया पॉइंट आपने मुझे समरी बताई एनी फॉरेन होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट जेवी शेल नॉट फॉलो इंडियास वो इंडियास फॉलो नहीं करेंगे ठीक है ये टॉपिक खत्म हो जाए फिर शॉर्ट ब्रेक लगेंगे यार टॉपिक खत्म होने के बाद ब्रेक लेंगे तो ज्यादा अच्छा है आई कैन अंडरस्टैंड शुरू में थोड़ा सा जो ये वाला पार्ट होता है ना ये वाला पार्ट जब थोड़ा लगने लगता है कि अरे यार थोड़ा सा थेरी जा रहा है और वो सब जा रहा है तो वो फिर लगता है कि ब्रेक दे दो पर यार बेटा मैं ये मान के चल रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड दो में से कोई बच्चे ले दो में से कोई एक बच्चे होंगे मतलब दो कैटेगरीज के बच्चे ले रहे होंगे एग्जाम ओरिएंटेड या तो वो कैटेगरी के बच्चे जिनके एग्जाम्स बिल्कुल ही पास में हैं या तो दूसरी कैटेगरी के बच्चे भले जिनके एग्जाम्स थोड़े से दूर हैं बट वो बहुत ज्यादा टू मच सिंसियर है और उनको टाइम वेस्ट से मतलब नहीं है वो बल्कि चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाओ तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का एनी फॉरन होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट वेंचर शेल्फ नॉट फॉलो इंडिया चलिए और क्या ध्यान रखना है आपको आगे देखें सब्सिडी एसोसिएट जेवी स्टेटस शेल बी चेक्ड ओनली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सर देखो जी रेफर केस टू केस टू रेफर करेंगे तब सर में आएगा मैं सिर्फ इतना बता दूं मैंने आपको बोला कि मान लो 1617 में ए लिमिटेड के ऊपर इंडिया एप्लीकेबल हो गया तो जो बी लिमिटेड है वो उसकी सब्सिडरी है उसके ऊपर भी इनडेस फॉलो हो जाएगा पर 1718 में बी लिमिटेड नॉट अ सब्सिडरी ऑफ लिमिटेड अब वो लिमिटेड की सब्सिडी नहीं रही सब्सिडी स्टेटस खत्म हो गया और ये एक अनलिस्टेड है चलो और ये इसका नेटवर्थ 200 करोड़ का है चलो कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आपने बाकी चीजें तो बताई नहीं है लिमिटेड अब नॉट अ सब्सिडी ऑफ लिमिटेड अनलिस्टेड है 200 करोड़ का नेटवर्थ है क्या लिखा है सब्सिडरी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी स्टेटस शेल बी चेक्ड ओनली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल वेरी गुड इंडेस ही लगेगा वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल ऑलवेज अप्लीकेबल इंडे एस वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल बल ऑलवेज अपल ठीक है क्लियर चलो बच्चे जवाब तो दे रहे हैं. गुड जितने भी बच्चे लाइव हैं अभी या जिन्होंने जिनो बच्चों ने एडमिशन ले लिया है मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंटली बताऊं जो बच्चे लाइव है चाहे लाइव नहीं है ऑनलाइन डाउनलोड पे हैं, जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है जैसे जैसे एडमिशन लेते जा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना मैंडेटरी है मैंडेटरी मेरे सारे कम्युनिकेशंस टेलीग्राम ग्रुप पे आएंगे अगर तुम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो रहे हो अगर तुम लेक्चर वाइज शेड्यूल डाउनलोड नहीं कर रहे हो अगर मतलब जितनी भी जो तुम्हें जो मैंने चीजें बताई अगर तुम ये वाली चीजें फॉलो नहीं कर रहे हो मैं आपको बताऊँ नहीं बढ़ पाओगे आगे यार तुम लोग ना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तुम खत्म हो जाओगे मैं बता रहा हूं तुम लोग फ्रस्टेड जाओगे कोई कम्युनिकेशन नहीं करोगे अगर मेरे सारे कम्युनिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पे आएंगे तो मैं तुम्हें क्या बोलने वाला हूं मैं बस ये बोलने वाला हूं कि कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे होना जरूरी है दूसरी बात एक और तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होगा एवरी टेन डेज के हिसाब से टेन टू फिफ्टीन डेज के हिसाब से जूम पे तो सबसे पहला कम्युनिकेशन मैं रखने वाला हूं कोशिश करके मैं आज शाम को रखूंगा हमारा पहला कम्युनिकेशन प्रोबेबली आज शाम को होगा जूम पे होगा ठीक है और मैं उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप पे नोटिफिकेशन दे दूँगा जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना या फिर मेरी टीम आपको जब कॉल करेगी आपके आपसे फॉलोअप लेने के लिए तो आप मुझे मेरी टीम को बोल देना कि व्हाट्सएप आप, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड कर दिया जाए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपके Uh, uh, क्या बोलते हैं बीस मिनट स्टूडेंट लॉग के अंदर मिलेगी मैं कल आपको लेक्चर टू में समझा दूंगा तो हमारा जूम सेशन होगा बीच बीच में पहला जूम सेशन मैं आज रखने की कोशिश करूंगा नहीं तो मैक्स टू तो मैक्स कल तक पर मैं आज रखने की कोशिश करूंगा ताकि मेरा इंटरेक्शन लाइव स्टूडेंट्स के साथ हो जाए तो जूम सेशन में हम और बातें करेंगे समझेंगे कि हम आगे क्या पढ़ना है किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है रिगार्डिंग द बैच चलिए ये हो गया बेटा यहां तक समझ में आ गया अब ध्यान से देखो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ध्यान से देखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बैंकिंग uh, इंश्योरेंस और एनबीएफसी कंपनी का क्या करना है मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा सबसे पहले सबसे पहले ध्यान से देखिएगा म्यूचुअल फंड कंपनीज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 23 थ्री एज पर सेबीज नोटिफिकेशन डेटेड 25 जनवरी भाई म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर इंडिया लग चुका है फर्स्ट अप्रैल 23 से ठीक है बैंक्स एक्सक्लूडिंग आर आरबी आर मतलब रीजनल रूरल बैंक इनके ऊपर तो आर के ऊपर तो लगेगा ही नहीं रही बात बाकी की बैंक एस बी आई एच डी एफ सी दुनिया भर की बैंक इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियस इज डेफर्ड टिल द फर्दर नोटिस आरबीआई ने बोल दिया देखेंगे देख के बताते हैं रुक जा रुक जा बताते बताते हैं बैंक के ऊपर इंडिया कब लगेगा पता नहीं इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर इंश्योरेंस विल कंपनीज्लाई एस आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ आई एफ आर एस सेवनटीन एक बार आई एफ आर एस सेवनटीन फाइनलाइज हो जाए फिर उसके बाद इंडिया आएगा उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज का सोचा जाएगा मतलब इंडिया कम, इंश्योरेंस कंपनीज का अभी इंडिया पर कोई पंडा नहीं है ठीक है चलिए उसके बाद उसके बाद एनबीएफसी ये है ये 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 एनबीएफसी एनबीएफसी के ऊपर बिल्कुल इंडेस एप्लीकेबल हो चुका है नेटवर्थ अगर उनकी 500 करोड़ या ज्यादा है चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो होल्डिंग या और उनकी होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट हुज डेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आर लिस्टेड ठीक है ऐसी कोई एनबीएफसी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है और होल्डिंग या और उनकी सारी होल्डिंग एसोसिएट असो, जेवी और सब्सिडरीज इनके ऊपर लगेगा फर्स्ट अप्रैल 2018 ऑनवर्ड्स मतलब इनका हो जाएगा फर्स्ट इंडिया 1819 तो बताओ ट्रांजिशन डेट क्या होगी इसका प्रीवियस करो 1718 सेवेंटीन तो एटीन का बिगिनिंग फर्स्ट एप्रिल सेवनटीन हो गया एनबीएफ एन का यहां तो था कि भाई अगर 500 करोड़ और मोर हुआ तो पर अगर 500 करोड़ से लेस हुआ तो तो हुज एंटिटीज और डेड इंस्ट्रूमेंट्स आर लिस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नेटवर्थ लेस देन 500 मतलब सीधी बात है जो लिस्टेड है पर नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है दूसरा अनलिस्टेड नेटवर्थ फिफ्टी करोड़ और मोर बट लेस देन करोड़ वही सेम फेज वन फेज टू वाला फंडा उनके होल्डिंग एसोसिएट इनके ऊपर कब से एप्लीकेबल लगा फर्स्ट अप्रैल मतलब हो गया नाइनटीन ट्वेंटी और ट्रांजिशन एट 18. क्लियर? इसके लगा फर्स्ट अलावा ऑल इंडिया टर्म लेंडिंग रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक नाबार्ड एस आई डी बी आई इनके ऊपर मैंडेटरी हो चुका है फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल 18 से मैंडेटरी हो चुका है 18-19 से उनका है ठीक है तो ये हो गया आपका इसमें ना टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला एनबीएफसी आप याद रखना 1819, 1920. 1819 वन ही और नाइनटीन ट्वेंटी फेज टू जैसा आई ठीक है फिर उसके बाद आपका इंश्योरेंस कंपनीज अभी अपलीकेबल नहीं है बैंकिंग अभी अपलीकेबल नहीं है और म्यूचुअल फंड कंपनीज फर्स्ट अप्रेड ट्वेंटी अब यहां पर इंपॉर्टेंट केसेज है पेरेंट आपका एनबीएफसी है और सब्सिडरी इज अ नॉन फाइनेंस कंपनी और वाइज वर्सा समझ गए पेरेंट कौन है एनबीएफसी और सब्सिडी कौन है नॉन एनबीएफसी मतलब वो फाइनेंस कंपनी नहीं है चलो आपको समझ में आ गया होगा मैं आपके साथ केस डिस्कस कर रहा हूं हेडिंग डालो इंडेस ऑन एनबीएफसी अच्छा ये आपके मॉड्यूल का पार्ट है कुछ भी फालतू तो नहीं पढ़ा रहा हूं सब मॉड्यूल का पार्ट है तो केस वन क्या बोल रहा है भाई केस वन

और सब्सिडरी कंपनी कौन है नॉन फाइनेंस कंपनी ठीक है ना इसके ऊपर इंडे एस लग रहा है इसके ऊपर ए एस लग रहा है प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह है पहले तो यह बोला गया कि अगर इसके ऊपर इंडे एस लग रहा है तो इसके होल्डिंग पे भी लगेगा ठीक है क्या बोल रहा है नाउ सच नॉन फाइनेंस कंपनी टू प्रिपेयर वन additional financial statements as per AS for the preparation of purpose of preparation of consolidated financial statements by its parent NBFC. Sir, क्या बोल दिया sir? देखो मान लो इसके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल हो गया इंडेस एप्लीकेबल हो गया 16 17 से फेज वन याद है पर होल्डिंग कंपनी तो एनबीएफसी है और एनबीएफसी के ऊपर इंडिया लगेगा 18-19 से मिनिमम या हो सकता है 19-20 से समझ रहे हो कि नहीं तो भाई फाइनेंशियल ईयर 16-17 तो ये एएसी लगा रहा होगा ना 16-17 में ये जहां इंडिया फॉलो कर रहा होगा पर ये 16-17 में एएसी लगा रहा होगा ठीक है पर प्रॉब्लम इसके साथ एक और है कि इसको कंसोलिडेशन करना है जब होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन करेगी तो उसको सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए और होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन करेगी तो अपने एएस के हिसाब से करेगी तो उसको सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ए के हिसाब से चाहिए अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एएस वाले और सब्सिडरी वाले इनडीएस वालों को मर्ज करके कंसोलिडेशन कर दे तो क्या करना पड़ेगा सब्सिडरी कंपनी को भले वो सोलह सत्रह से इंडेस लगा रही है पर उसको एडिशनल एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन विथ फॉर द पर्पज ऑफ सबमिटिंग फॉर द कंसॉलिडेशन पर्पज सही बात समझ में मोहन बोल रहा है शॉर्ट ब्रेक अरे मेरी मेरे भाई और बहनों थोड़ा सा प्लीज धैर्य रखो धैर्य नलायक थोड़ा सा धैर्य रखो शॉर्ट ब्रेक दे दूंगा दो मिनट रुक जाओ सबको यह समझ में आया कि नहीं तो यहां पर बोल रहा है कि अगर आपकी होल्डिंग कंपनी एनबीएफसी है जो कि एएस फॉलो कर रही है आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर एएस क्यों फॉलो कर रही है मैं बोल रहा हूं भाई सोलह सत्रह चल रहा है अरे भैया एनबीएफसी तो फॉलो कर सकती है इंडिया एटीन नाइनटीन से बात चल रही है एटीन नाइनटीन के पहले की दूसरा मान लो एनबीएफसी अनलिस्टेड है जिसकी नेटवर्क टू फिफ्टी करोड़ से नीचे है अब तो वो इंडेक्स फॉलो कर ही नहीं सकती मान लो ऐसी एनबीएफसी है है जो ना ना में आ रही ट्वेंटी में आ रही है मान लो अनलिस्टेड एनबीएफसी है सपोज आपकी एनबीएफसी है पर अनलिस्टेड है क्या करोगे सोलह सत्रह से फॉलो कर रही है तो यार ए के हिसाब से बनेगा कि नहीं तो सब्सिडी को एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए के हिसाब से बनाने पड़ेंगे ताकि उसका होल्डिंग कंपनी एएस के हिसाब से कंसोलिडेशन कर सके ये वाला पोर्शन समझ में आया कि नहीं तो यहां पर क्या होगा प्रिपेयर वन मोर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एस फॉर द परपज ऑफ कंसॉलिडेशन एज पर एस ये केस सबको क्लियर है अब आप केस टू पे आओ

ट मतलब होल्डिंग ये कौन है नॉन फाइनेंस कंपनी इन डेयर्स इन फाइनेंशियल सिक्सटीन सेवेंटीन ऑनवर्ड्स ठीक है ना सब्सिडरी एनबीएफसी जेवी एसोसिएट ये सब एनबीएफसी है ये हो गई आपकी ए एस ए एस इन फाइनेंशियल ईयर सिक्सटीन सेवनटीन ओ हो क्या करें इसको तो कंसोलिडेशन एस पर इंडिया करना है क्या करेंगे प्रिपेयर एडिशनल

ए एस लगा रही है उस साल में तो उसको इनडेस के हिसाब से भी एक एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उसको सबमिट करना पड़ेगा ताकि वो कंसोलिडेशन कर सके उल्टा होल्डिंग एनबीएफसी है सब्सिडरी सब्सिडरी नॉन फाइनेंस कंपनी है सब्सिड्री इनडेस लगा रही है इसको अगेन ए एस ए एस के हिसाब से उसको बना के देना पड़ेगा तो बल सीधी बात है मतलब सब्सिडरी की एक एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी इनडेस के हिसाब से सब्सिडरी चाहे फाइनेंस कंपनी हो चाहे एनबीएफसी हो सब्सिडी को एडिशनल इंडेस एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देना पड़ेगा अब यहां पर एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना पड़ेगा एएस के हिसाब से यहां पे बना के देना पड़ेगा इंडेस के हिसाब से चलिए बच्चों जवाब दो जवाब दो आया समझ में कि नहीं वॉलेंट्री एडॉप्शन इज नॉट परमिटेड फॉर बैंक एनबीएफसीज इंश्योरस इन तीनों के लिए कोई वॉलेंट्री एडॉप्शन नहीं है जो वॉलेंट्री एडॉप्शन बोला गया था ना कि बाकी कंपनीज़ के लिए फेज वन फेज टू में कि भाई आप वॉलेंट्री भी कर सकते हो अप्लाई। ये वाला वॉलेंट्री ये बैंकिंग इंश्योरेंस बैंकिंग इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल वैसे भी नहीं है इंडियस और एनबीएफसीज के ऊपर नहीं बोला गया एंटिटी नॉट कवर्ड इन रोड मैप शेल कंटिन्यू टू अपलाई अकाउंटिंग स्टैंडर्स एट प्रेजेंट सच एस आर आर इंश्योरेंस अनलिस्टेड एंटिटीज जिनका नेटवर्क लेस देन टू फिफ्टी क्रोर्स है एंटिटीज लिस्टेड ऑन एस एम एक्सचेंज ये के हिसाब से ही बनाएंगे चलिए ये हो गया आपका रोड मैप रोड मैप के बचे हैं केसेस केस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आठ केसेस बचे हैं तुम बोलो तो अपन इसको ब्रेक के बाद करें मुझे बताओ ब्रेक के बात करना है ब्रेक चाहिए अभी ब्रेक चाहिए कि नहीं चाहिए फेज वन एंड टू में बोला था कोई भी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी होगी तो इंडिया मैंडेटरी है इज इट फॉर अदर कंपनीज देन स्पेशल केसेस हा यहां जहां लिखा था ना फेज वन होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट एक्सेप्ट एनबीएफसी एक्सेप्ट बैंक ऑब्वियसली एक्सेप्ट बैंक्स इंश्योरेंस एनबीएफसी मैं एनबीएफसी नहीं लिखना चाह रहा हूं क्योंकि एनबीएफसी के ऊपर इंडिया लग चुका है आज के दिन में एटीन से तो लग चुका है ना तो मैं एनबीएफसी नहीं लिखना चाह रहा हूं ठीक है चलिए ब्रेक देने से पहले ईरा ने एक सवाल पूछा था कि सर इंडेस क्यों ए एस काफी नहीं है क्या हाँ ना यार ए एस काफी नहीं है तभी तो इंडेस ना और बेहतर रिपोर्टिंग करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए प्रॉपर कंपैरिजन करने के लिए यह जरूरी है कि हम ऐसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें जो स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड बेसिस पर फॉलो किए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड बेसिस पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं जैसे यूरोप की एक कंपनी है यूएस की एक कंपनी है वियतनाम की एक कंपनी है चाइना की एक कंपनी है रशिया की एक कंपनी है अगर इंडिया की एक कंपनी है अगर ये सारे कंपनीज अगर सेम टाइप के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो ग्लोबल इन्वेस्टर जो हर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है वो इन्वेस्टर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम इंडेस क्यों लगाते हैं बिकॉज इंडेस आईएफआरएस के जैसे हैं और आईएफआरएस एफ वर्ल्ड वाइड पर लगाए जाते हैं तो इंडेस इज जस्ट अ कॉपी ऑफ आई कह सकते हैं तो इसीलिए इंडेस जरूरी है ए से वो काम फुलफिल नहीं हो पाएगा ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है बिकॉज इतना जानना तुम्हारे लिए ठीक है अब पूरी जो

तो अपन लेते हैं ब्रेक यस सुमित भी बोल रहा है सर ब्रेक ले लो तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे केसेस सर कितने मिनट्स का ब्रेक होगा सर ब्रेक होगा आपका अप्रॉक्सीमेटली टेन मिनट्स का मतलब टेन से ट्वेल्व मिनट्स का ले सकते हो पर उससे ज्यादा नहीं टेन टू ट्वेल्व मिनट्स का आपका ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद अपन फर्दर मिलेंगे ठीक है चलिए गाइस थैंक यू सो मच ब्रेक के बाद मिलते हैं हेलो हेलो और गाइस वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जो भी बच्चे हैं प्लीज जल्दी आ जाइए बच्चों अवेलेबल हो सब लोग जल्दी चैट पर बताओ अवेलेबल हो कि नहीं हमने रोड मैप देखा और देखो उसका रिवीजन में लास्ट क्लास में करवा लूंगा मैंने आपको बोला ना रिवीजन के लिए हमें क्या करना है हमें पूरा लेक्चर कंप्लीट जब करेंगे तो उसके आखिरी के दस मिनट हम पूरा रिवीजन करेंगे ठीक है चलिए सो so, जो भी हमने पढ़ा है उसके केसेस रोड मैप वाले केसेस एक एक करके देखते जाएंगे। बिल टारगेट कि हम आधे घंटे के अंदर इसको केसेस को निपटाएं बाकी बचे हुए आधे घंटे में हम शेड्यूल थ्री करें चलिए केस वन कंपनी एक्स ऑन स्टैंड लोन बेसिस हैड अ नेटवर्थ ऑफ अबाउट टू फिफ्टी करोड बट बिलो फाइव हंड्रेड करोड इन द फाइनेंशियल ईयर थर्टीन फोर्टीन एज वेल एज फाइनेंशियल ईयर फोर्टीन फिफ्टीन एंड इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड फाइव हंड्रेड करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर फिफ्टीन सिक्सटीन भाई साहब वो कह रही है वो वो ये कह रहा है यह ध्यान से देखिए केस वन क्या कह रहा है केस वन कह रहा है केसेस ऑफ कॉन्सेप्ट बुक केस वन ये कह रहा है सर थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन और थर्टी फर्स्ट मार्च सिक्सटीन नेटवर्थ टू फिफ्टी अबव बिलो फाइव हंड्रेड यहां पर नेटवर्थ टू फिफ्टी अबव बिलो 500 हंड्रेड यहां पर नेटवर्थ एक्सपेक्टेड मतलब अभी ये साल खत्म हुआ नहीं है एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 500 तो बताओ इसके ऊपर कब से लगेगा वेदर एक्स एक्स वी रिक्वायर टू कंप्लाई विथ इंडियज फ्रॉम द फाइनेंशियल सेवनटीन एटीन मतलब फेज टू गिवन नेटवर्थ ऑन थर्टी फर्स्ट कंपनी एक्स वॉज एंड्रेश होल्ड इन नेटवर्थ एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्ची माइट भी अब हंड्रेड तो क्या इसको फेज टू में जाना पड़ेगा क्योंकि फोर्टीन में तो फाइव हंड्रेड के नीचे है फिफ्टीन में भी फाइव हंड्रेड के नीचे है तो क्या इसको फेज टू में जाना पड़ेगा या फेज वन में भी आ सकता है बताओ फेज वन में आ सकता है कि नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएगा ही आएगा आ सकता है बोल रहा हूं क्योंकि एक्सपेक्टेड टू एक्सीड फाइव हंड्रेड है बोलो फेज वन में आ सकता है कि नहीं बिल्कुल फेज वन में आ सकता है कैन कम अंडर फेज वन इफ एक्सीड्स 500 करोड़ अगर 500 करोड़ से ज्यादा एक्सीड हुआ तो आ जाएगा आया समझ में कि नहीं क्लियर हुआ कि नहीं अगर 500 करोड़ से एक्सीड हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं आएगा फेज टू हो जाएगा फिर तो देखिए

कंपनी ए इज अ लिस्टेड कंपनी हैज़ थ्री सब्सिडीज कंपनी एक्स वाई एंड जेड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन द नेटवर्थ इज सिक्स हंड्रेड करोड नेटवर्थ इज हंड्रेड फोर हंड्रेड टू हंड्रेड ऑल थ्री सब्सिडीज आर नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनीज तो आ जाओ केस टू कंपनी ए कंपनी ए अच्छा लिस्टेड ओके नेटवर्थ नेटवर्थ सिक्स हंड्रेड करोड़ ओके ठीक है थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन मतलब इसके ऊपर तो हो गया भैया फेज वन फाइनेंशियल ईयर सिक्सटीन सेवनटीन से लगेगा अब इसकी है तीन सब्सिडरीज सब्सिड्री एक्स सब्सिड्री वाई सब्सिड्री जेड ठीक है तीन सब्सिडरीज है अच्छा क्या क्या बोल रहा है सब्सिडरी केस ए सब्सिडरी ए ठीक है ड्यूरिंग फाइनेंशियल फोर्टीन फिफ्टीन कंपनी ए हैज सोल्ड ऑफ इट्स इंटायर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी एक्स therefore company X is no longer a subsidiary of company A for the purpose of preparation of financial statement as on 31st March 15 should company X prepare its financial statement as per the company's rule 2006 मतलब AS लगाएगी या फिर Indian AS लगाएगी भाई साहब मैंने आपको बोला था listing status आपको चेक करना होता है किस दिन का चेक करना होता है subsidiary एसोसिएट जेवी स्टेटस शेल बी चेकड ओनली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ फाइनेंशियल फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिया स्टेटमेंट तो हमारा फर्स्ट इंडिया स्टेटमेंट कौन सा सब्सिडी एक्स हमारी सब्सिडी थी नहीं थी नॉट अ सब्सिडरी ऑन फर्स्ट अप्रिल सिक्सटीन ये हमारी सब्सिडी फर्स्ट अप्रैल सिक्सटीन को नहीं थी तो बताओ कंपनी एक्स शेल नॉट फॉलो इंड इंडेस इंड एस, इंडे एस फॉलो करेगी नहीं नेटवर्थ उन्होंने कितना बताया उसके कंपनी का नेटवर्थ कितना बताया हंड्रेड करोड़ है 100 नेटवर्थ हंड्रेड करोड़ है इसका नेटवर्थ कितना बताया फोर हंड्रेड इसका नेटवर्थ कितना बताया टू हंड्रेड टेन तो ये कंपनी सब्सिडी एक्स तुम्हारी सब्सिडी थी क्या एक अप्रैल दो हजार सोलह को फर्स्ट अप्रैल सिक्सटीन में वो तुम्हारी सब्सिडी थी क्या नहीं ना तो ये इंडेस नहीं बनाएगी हाँ अगर खुद का नेटवर्थ क्रॉस हो जाए 250 से एक्स्ट्रा या 500 से uh, 250 250 से बियॉन्ड या 500 से बियॉन्ड तो एक अलग बात है बट बेस्ड ऑन होल्डिंग कंपनी इट शेल नॉट प्रिपेयर इंडेस सबको समझ में आ रहा है कि नहीं थोड़ा रिप्लाई करो नालायकों सबको समझ में आ रहा है कि नहीं चलिए नेक्स्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल फिफ्टीन सिक्सटीन इज सोल्ड ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन कंपनी वाई कंपनी वाई भी बेच दिया दिसंबर फिफ्टीन में देर फोर वाई इज नो लॉन्गर अब्सिडरी वाई भी सब्सिडरी नहीं है तो बताओ नॉट अ सब्सिडी ऑन फर्स्ट अप्रिल सिक्सटीन फर्स्ट अप्रिल सिक्सटीन को सब्सिडरी नहीं है फर्स्ट अप्रिल सिक्सटीन को सब्सिडी नहीं है बताओ क्या करेंगे कंपनी वाय शैल नॉट प्रिपेयर इन डे एस फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम सिक्सटीन सेवनटीन बट 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 नेटवर्थ खुद की कितनी है फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड बट इट शेल पोलो इंडेस फ्रॉम सेवेंटीन एटीन सेवनटीन एटीन से आ जाएगा भैया फेज टू फेज टू आ जाएगा इसके ऊपर फेज वन नहीं आएगा फेज टू वो भी उसकी खुद की नेटवर्थ के बेसिस पर बेस्ड ऑन इट्स ओन नेटवर्थ खुद की नेटवर्थ के बेसिस पर खुद की नेटवर्थ के बेसिस पर ठीक है ठीक है ठीक है सब चंगा सी चलो अब बताओ सब्सिडी जेड तुम बताओगे ड्यूरिंग फाइनेंशियल सोल्ड ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन Z ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर सिक्सटीन बेटा सब्सिडी को बेचा तो है पर दिसंबर सिक्सटीन में बेचा है जेड इज नो लॉन्गर सब्सिडी ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेरिंग फाइनेंशियल थर्टी 17. सेवनटीन बताओ ट वॉज अ सब्सिड्री ऑन फर्स्ट अप्रिल सिक्सटीन ये सब्सिडी थी हेंज वन ऑन सब्सिडी जेड सब्सिडरी जेड के ऊपर फेज वन लग जाएगा सर कितने ईयर पहले का नेटवर्थ देख सकते हैं दीदी ओ दीदी नेटवर्थ देखने के लिए थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन या उसके बाद के पीरियड नेटवर्थ देखने के लिए थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन या उसके बाद के पीरियड अगर आपकी कंपनी थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन पे एग्जिस्ट कर रही थी तो थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन का देख लो वहां पर नेटवर्थ मैच नहीं हो रहा फाइव हंड्रेड टू हंड्रेड टू फिफ्टी तो उसके बाद के पीरियड के देख लो अगर आपकी थर्टी फर्स्ट अगर आपकी कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन को तो कब एक्सिस्ट कर रही थी वहां से नेटवर्क देख लो ठीक है ये नेटवर्क तो इकतीस मार्च फोर्टीन का है तो फेज टू का नोटिफिकेशन नहीं आया था अरे वही तो बोल रहा हूं ना दीदी क्या यार मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया नोटिफिकेशन कब आया बच्चे सुनते ही नहीं है नोटिफिकेशन कब आया था 2015 में तो उन्होंने नोटिफिकेशन में ही क्या बोल दिया कि आपको तो नेटवर्थ 2014 का देखना है आपको 31 मार्च 14 का देखना है ताकि कोई भी कोई भी कंपनी जो 31 मार्च 14 को एग्जिस्ट कर रही थी वो किसी तरीके से मैन्युपुलेशन ना कर सके मैक्सिमम से मैक्सिमम मैन्युपुलेशन खत्म करने के लिए ये करवाया गया बट स्टिल मैन्युपलेशन हाथ में और है मान लो थर्टी फर्स्ट मार्ची टू फिफ्टी से क्रॉस नहीं कर रही पर हमें पता है कि उसके बाद की भी नेटवर्थ देखी जाएगी अगर फोर्टीन में नहीं फॉलो हो रहा तो फिफ्टीन में फिफ्टीन में नहीं तो सिक्सटीन में कभी ना कभी तो क्रॉस होगी ना तो जब भी क्रॉस होगी तब से नेट इंडिया लगाओ सीधी बात है थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन पे ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो तो फेज वन नहीं किया है तो थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन में क्रॉस कर चुके हो नहीं किया है थर्टी फर्स्ट मार्च सिक्सटीन में क्रॉस किया है नहीं किया है सेवनटीन में किया है नहीं किया है एटीन में किया है नहीं किया है 19 में किया है ट्वेंटी जब भी क्रॉस करोगे वहां से इंडिया लगा लो प्रॉब्लम क्या है अगर फोर्टीन में ही हो गया तो बात खत्म अगला भले गिर जाए अगर 14 में ही नेटवर्थ मेरा फाइव हंड्रेड करोड़ से ज्यादा हो गया तो मैं में आ चुका हूँ हुआ तो मैं फेज वन में आ जाऊंगा में भी क्रॉस नहीं हुआ तो मैं सेवनटीन में आ जाऊंगा आया समझ में कि नहीं दीदी चंचल दीदी क्लियर हुआ कि नहीं तो इसके ऊपर फेज वन लगेगा सब्सिडी का सर उसके बाद तो ये सब्सिडी को बेच दिया वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल वंस एप्लीकेबल शेल ऑलवेज एप्लीकेबल शेल ऑलवेज एप्लीकेबल ठीक है चलिए तो ये हो गया केस टू अब आते हैं केस थ्री केस थ्री कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई रजिस्टर्ड इन इंडिया हैविंग नेटवर्थ ऑफ सिक्स हंड्रेड क्रोड्स नेटवर्थ सिक्स हंड्रेड क्रोड्स एंड हंड्रेड क्रोड्स रिस्पेक्टिवली आर सब्सिडीज ऑफ फॉरेन कंपनी फॉरेन कंपनी की सब्सिडीज है एबीसी विच हैज नेटवर्थ ऑफ मोर देन अरे यार फॉरेन कंपनी के ऊपर इंडियस नहीं लगेगा यार ठीक है वेदर कंपनी एक्स एंड वाई आर रिक्वायर टू कंप्लाई विद इंडिया फॉर द द फाइनेंशियल ऑन बेसिस ऑफ देर नेटवर्क ऑफ पेरेंट और ऑन द बेसिस ऑफ देर ओन नेटवर्क सीधी बात है अगर एक्स और वाई के ऊपर लगेगा भी तो उनकी खुद की नेटवर्थ के बेसिस पर लगेगा उनके पेरेंट के नेटवर्थ के बेसिस पर नहीं लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन नेटवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन नेटवर्थ उसके बेसिस पर लगेगा समझ में आई मेरी बात तो कंपनी एक्स और वाई के ऊपर इंडियंस लगेगा कि नहीं उनकी खुद की बेसिस नेटवर्थ के बेसिस पर लगेगा अब बताओ उनकी खुद की नेटवर्थ कितनी है एक्स की नेटवर्थ है 600 और वाई की है 100 तो बताओ किसके ऊपर लगेगा 600 को तो एक्स के ऊपर इंडेस लगेगा वाई के ऊपर इंडेस नहीं लगेगा अच्छा सर एक्स के ऊपर लग रहा है इसीलिए वाई के ऊपर लगेगा बेटा को सब्सिडरीज के ऊपर नहीं लगता ऐसा कि भाई सब्सिडी एक्स के ऊपर लगेगा तो सब्सिडी वाई के ऊपर भी लग जाएगा ऐसा नहीं सब्सिडी एक्स के ऊपर लगेगा तो पेरेंट के ऊपर लगना चाहिए पर पेरेंट फॉरिन है तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगा बोलो बेटा क्लियर इसको तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है सिंपल है आइए केस फोर केस फोर केस फोर केस फोर एबीसी एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएस विथ लिमिटेड लाइब्रेटी हैज एस्टेब्लिश ब्रांच ऑफिस इन इंडिया विद द परमिशन ऑफ आरबीआई टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस आरबीआई परमिशन क्यों कंसल्टेंसी चलो द ब्रांच ऑफिस अमाउंट टू नेट ऑफ एप्लीकेबल इंडियन टैक्सेस टू आरबीआई गाइडलाइंस एज ऑन फर्स्ट अप्रैल सिक्सटीन इट हैज मोर देन फाइव हंड्रेड करोड़ बैलेंस इन द हेड ऑफिस अकाउंट बाहर की कोई कंपनी है उसने इंडिया में ब्रांच ओपन किया है कंपनी ओपन नहीं किए सिर्फ ब्रांच ओपन किया और ब्रांच के खाते में हेड ऑफिस का बैलेंस दिख रहा है फाइव हंड्रेड करोड़ से ज्यादा वेदर इंडियन ब्रांच ऑफिस ऑफ रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडिया बताओ बोलो 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 नहीं बेटा ब्रांच ऑफिस जब तक इंडिया में रजिस्टर्ड एज अ कंपनी नहीं है तब तक हम इंडिया फॉलो नहीं करवाएंगे। तो ब्रांच ऑफिस ऑफ अ फॉरेन कंपनी इज नॉट कवर्ड अंडर रूल सिक्स सिक्स क्या है सर रूल सिक्स मतलब वो जो फेज वन फेज टू वाला रूल वो सिंस ब्रांच इज नॉट एन इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट ब्रांच आपका इनकॉर्पोरेट नहीं है टू कंप्लाई विद इंडियस ब्रांच को ऊपर इंडियस नहीं लगता सर हम इसका समरी लिख दें? हाँ, नलायक समरी लिखो इसका समरी क्या लिखोगे ब्रांच ऑफिसिस विच आर नॉट रजिस्टर्ड एज कंपनीज ब्रांच ऑफिसिस Not registered as companies, branch offices in India of foreign companies shall not follow India's. ये समरी वाला पॉइंट है आपको इसको समरी में लिखना है बच्चों में आपको ना चैलेंज से कह रहा हूं अगर आपने समरी बुक बनाई ना मैं आपको इतना गारंटी बोल रहा हूं अगर समरी बुक बनाई आपको एंड में इतना मजा आएगा आप बोलोगे सर हमें अब आपकी कॉन्सेप्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने समरी बुक आपको मालूम पड़ेगा विद इन विद इन टेन डेज आपको समरी की अहमियत समझ में आ जाएगी कि, कि हाँ यार समरी क्या है मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं पहले दिन मैंने आपको बता दिया कि हम समरी बुक पर ध्यान देने वाले हैं अब मैं आपके लिए अलग से समरी बुक नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे बार 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 डबल बार लिखने में, में मेरा टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी समरी बुक बनाओ ठीक है बनाओगे कि नहीं बनाओगे जल्दी बोलो बनाओगे कि नहीं बनाओगे जल्दी बोलो चलिए आगे बढ़े केस केस बहाने समरी बुक से पता है क्या क्या होने वाला है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत सुधरेगी ठीक है आप अपनी समरी बुक से जब चाहो तब रिवीजन कर सकते हो ठीक है आपको मेरे रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी पर मैं तो रिवीजन दूंगा ही दूंगा तीसरा आप जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब एग्जाम में फर्स्ट टाइम रिवीजन सेकंड टाइम रिविजन करोगे एग्जाम्स के लिए तब आपको मेरी इतनी मतलब मेरी किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप खुद ही समरी बुक से कंप्लीट कर लोगे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा देखना बहुत ज्यादा फायदा होगा चलो केस फाइव ए लिमिटेड इज द फर्स्ट टाइम एडॉप्टर ऑफ इंडिया इट हैज इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिफ विथ बी लिमिटेड नेमली ए एंड बी एसोसिएट ए लिमिटेड बी लिमिटेड मिलकर पार्टनरशिप कर रहे बी एप्लीकेबल टू ए बी एसोसिएट्सूफ दिमिटेड बोलो क्या पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर ए एस लगेगा क्या इंडिया लगेगा क्या हा बोलो 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 नहीं पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर भी इंडिया नहीं लगेगा इंडिया इज नॉट अप्लीकेबल टू पार्टनरशिप फॉर्म्स पार्टनरशिप फॉर्म्स के ऊपर नहीं लगेगा भले वो किसी ऐसी कंपनी के ऊपर लग रहा है किसी ऐसी भले उसमें अंदर जो पार्टनर है वो कंपनी है और कंपनी के ऊपर इंडियास लग रहा है तो भी नहीं लगेगा ठीक है सो इंडियस इज नॉट अप्लीकेबल टू पार्टनरशिप एंटिटी एज इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट हाउ आर पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे वो उनका attention है. Partnership firm का कोई नहीं है सर वॉट अबाउट ड्यूरिंग कंसोल्टेशन हाँ ना वो वही लिखा है ना कंसोल्टेशन पर्पज के लिए पार्टनरशिप फॉर्म उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगी और वो लोग इंडियस लगाएंगे पार्टनरशिप फॉर्म बोलेगी मैं क्या लगाऊ तुम लगाओ मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इनके ऊपर इंडियस ठीक है चलो हा आन, अब पूर्व आनंद ने सवाल पूछा पर वो फिर रुक गया उसने बोला हाँ 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 सर ने तो बात डिस्कस कर ली तो डिलीट कर दिया कोई बात नहीं बेटा चलो केस नंबर सिक्स कंपनी एक्स लिमिटेड इज बींग कवर्ड अंडर फेस वन नीड्स टू अप्लाई इंडिया फ्रॉम सिक्सटीन सेवनटीन वाई इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ एक्स इज अ चैरिटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वाई एक एसोसिएट कंपनी है और वो उसकी चैरिटी वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन एट वेदर कंपनी वाई इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद भाई कंपनी है ना रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन एट ना ये थोड़ी बोला गया है कि भाई एसोसिएट एसोसिएट है बस सीधी बात है एसोसिएट तो फेज वन में आएगी चैरिटेबल है तो क्या करना सेक्शन एट में आ रही ना अप्लाई होगा 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 सेक्शन Act. कंपनीज आर will कंपनीज required to आर the टू कंप्लाई from the टू अपला फाइनेंशियल होगा यार बिल्कुल होगा ठीक है बोलो बेटा होगा ना होगा ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना होगा कि नहीं होगा सर होगा आगे बढ़ो सर टाइम वेस्ट मत करो चलो ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन कंपनी कंपनी ए एंड ऑफ़ मार्च को करोड़ की थी नहीं नहीं, नहीं 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 अरे लिस्टेड है मेरे भाई है. तो भी क्या हुआ सर फेज वन में साथ -साथ ज्यादा चाहिए पर फेज टू में होनी चाहिए 500 से नीचे भी हो तो चलेगा हाँ 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 लिस्टेड कंपनी कंपनी तो लिस्टेड है ही नहीं

इंड एस लिस्टिंग इंड चेक किया जाएगा इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले साल में तो मुझे बताओ जी मुझे बताओ जी थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन का लिस्टिंग स्टेटस चेक किया जाएगा थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन का नेटवर्थ चेक किया जाएगा कि थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन का लिस्टिंग स्टेटस चेक किया जाएगा ये थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन क्यों जरूरी है थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन नेटवर्थ के लिए जरूरी है Listing status के लिए जरूरी नहीं है आपका फेज टू मतलब 17, 18, क्या आप आप पे पे थे थे नहीं 17, पे आप कौन थे? Unlisted. और अनलिस्टेड होते हुए आपकी थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन या उसके बाद की नेटवर्थ का वो बता रहा है बस फिफ्टी करोड़ है मतलब अनलिस्टेड में टू फिफ्टी से नीचे है मतलब आई थिंक इसके ऊपर ए एस लगेगा इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इंडियस नहीं लगना चाहिए क्या लिखा है बिफोर द मैंडेटरी एप्लीकेबल डेट कंपनी ए टू बी लिस्टेड कंपनी अकॉर्डिंगली इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई द इंडेस सर इसको कैसे याद रखें बेटा थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन कौन सी चीज चेक करने के लिए होता है नेटवर्थ चेक करने के लिए सर लिस्टिंग स्टेटस कब चेक करना है जो जिस साल से एप्लीकेबिलिटी हो रही है इंडिया की उस साल में चेक करना है कि आपका लिस्टिंग स्टेटस है कि नहीं ठीक है स्टेटस टू बी चेक ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ एप्लीकेबिलिटी हां तो ये भी तो तुम्हारा समरी पॉइंट हो गया हाँ हां सर लिस्टिंग स्टेटस बी चेकड इन फर्स्ट ईयर ऑफ इंड ए एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जबकि नेटवर्थ कब चेक करना है नेटवर्थ स्टेटस टू बी चेक्ड फर्स्ट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन और देयर आफ्टर तो एक हो गया तुम्हारा नेटवर्थ स्टेटस एक हो गया तुम्हारा लिस्टिंग स्टेटस पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर नहीं लगेगा ब्रांच ऑफिस के ऊपर नहीं लगेगा ठीक है चलो केस एट केस एट एज पर द रोड मैप एप्लीकेबल टू कंपनी एक्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एटीन वो बोल रहा है फेज टू चल गया ठीक है हाँ ये अच्छा ये अच्छा है आई थिंक सेवनटीन एटीन कंपनी एक्स नॉन फाइनेंस कंपनी इंडिया इज एप्लीकेबल टू कंपनी एक्स फ्रॉम फाइनेंशियल कंपनी एक्स इज अ नॉन फाइनेंस कंपनी इज अ सबसिडी ऑफ एनबीएफसी वाई वो आएगा केस वो वो वाला केस वो वाला केस जो एनबीएफसी का पढ़ा था कंपनी वाई इज एन अनलिस्टेड एनबीएफसी कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ फोर हंड्रेड करोड़ वॉट विल बी द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिया फॉर द कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई इफ इंडिया इज एप्लीकेबिलिटी डेट फॉर द पेरेंट एनबीएफसी इज डिफरेंट फ्रॉम द अरे यार ये वही है यार ये वही केस है ये पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये आ रहा है आपका ये वाला केस वन और केस टू सबसे पहले देखो वो बोल रहा है कि जो सब्सिडरी है जो सब्सिडरी है वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो हमने यहां पर यहां पर सब्सिडरी 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 नॉन फाइनेंस कंपनी तो सब्सिडरी के ऊपर तो इंडिविजुअली इंडिया लगेगा सेवेंटी फेज टू में वो सेवेंटीन बोल रहा है ना 17, 18 बोल रहा है फेज में लग जाएगा ठीक है पर उसको एक और एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और वो सबमिट करके देने पड़ेंगे होल्डिंग कंपनी को एएस के हिसाब से देने पड़ेंगे कंसोलिडेशन पर्पज के लिए ठीक है फिर वो बोल रहा है कि इफ इंडिया डेट फॉर द पेरेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी डेट ऑफ द कॉर्पोरेट दब्सिडी देन हाउ वी विल द कंसोलिडेट और वो वो ऐसे केस में वो पूछ रहा है कि कैसे कैसे होगा तो उसको इन, एस स्टेटमेंट देने पड़ेंगे तो बेटा ये केस वन हो गया था ठीक है चलिए इसका आंसर आप पढ़ लेना मैं आपको ये लिखवा चुका हूं ऑलरेडी ये वाला पोर्शन लिखवा चुका हूँ तो ये हो गए आपके आठ केसेस वाज योर रोड मैप टू इंडिया दिस वाज योर रोड मैप टू इंडिया ठीक है तो जो मैं आपको बता रहा था आज कि सर हमारे जो अदर टॉपिक्स हैं जिसमें रोड मैप है वो सर हमारा करके हो गया है आज चलिए मुझे बताइए यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ हमारे पास स्टिल अभी तक हमारे पास 20 मिनट रखे हुए हैं ट्वेंटी मिनट रखे हुए हैं 10 बजे तक क्लास का हमारा शेड्यूल रहने वाला है 10 बजे के बाद जो बच्चों के पास समय हो वो मेरे साथ 10 मिनट के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं रिवीजन के लिए क्यूमुलेटिव रिवीजन के लिए और जिनके पास समय ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सो अभी हम शेड्यूल थ्री स्टार्ट करें क्या अभी हम शेड्यूल थ्री स्टार्ट करें क्या कोई डाउट नहीं, नहीं है किसी को कोई डाउट ये हमने डिस्कस किया रोडमैप का अब हम यहां से डिस्कस कर रहे हैं शेड्यूल थ्री सर एफ का लेंदी पेपर आता है क्या लाइक like, इंटर का अकाउंट लाइक इंटर का अकाउंट्स देखो यार इंटर में जब लोग तुम जब तुम लोग थे तो अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स को लेकर मुझे नहीं पता कौन से बच्चे मेरे इंटर में स्टूडेंट्स रहे या नहीं है मैं इंटर लेवल पे भी बोलता था कि बेटा अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स लेंदी ही आएगा मुझे लगता है एट्टी परसेंट बच्चों को ये बात फैक्ट पता है और उनको ये चीज वो एग्री करेंगे कि हाँ सर इंटर में भी अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स लेंदी होता था अगर ऐसी बात है तो यार फाइनल में वही सब्जेक्ट का एडवांस्ड वर्जन लेंदी नहीं होगा क्या बिल्कुल होगा लेंदी हंड्रेड परसेंट बट मीन कि वो लेंदी पेपर इतना है कि हम तीन घंटे में पेपर सॉल्व ना कर सके ऐसा नहीं है पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हैं हमें चाहिए अच्छी खासी राइटिंग प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में कितनी भी करवा दूं मैं आपको अलग अलग अगर अलग से नहीं की तो फिर आपको मजा नहीं आएगा ठीक है ना तो अलग से करने के लिए ही मैं आपको जैसे आज मैंने क्लास के स्टार्टिंग में फोर्सफुली बोला कि नहीं आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है अलग से क्लास में क्लास के अलावा भी ताकि आपका टाइम पे पेपर कंप्लीट हो ठीक है बट मैं आपको बताऊं ये सब चीजें सोच के ना डरो मत एफ आर बहुत ईजी पेपर है इट कुड बी योर वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट आई मस्ट से और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एफ आर आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना के दू आपको अगर आपने मुझे प्रॉपरली फॉलो किया तो अगर आपने मुझे प्रॉपरली फॉलो किया तो ठीक है चलिए शेड्यूल थ्री पहले तो ना शेड्यूल थ्री के बारे में कुछ बातें सुन लो शेड्यूल थ्री बेसिकली पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट है शेड्यूल थ्री में तीन डिविजन होते डिवीजन वन डिविजन टू डिविजन थ्री डिवीजन वन के अंदर डिविजन वन के अंदर वो कंपनीज आती हैं, कंपनीज फॉलो ए एस डिविजन थ्री के अंदर आते हैं आपके बैंक्स एनबीएफसी इंश्योरेंस डिविजन टू में आते हैं कंपनीज हुडीएस एंड अदर देन एनबीएफसी क्योंकि एनबीएफसी भी तो इंडिया फॉलो करती है तो शेड्यूल थ्री में क्या है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज फॉर्मेट दिए गए शेड्यूल थ्री में क्या क्या है शेड्यूल थ्री में इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर्मेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए फॉर्मेट और इंस्ट्रक्शन दिए गए डिवीजन भी है फॉर्मेट दिया गया जो ए एस फॉलो करती है थ्री में बैंकिंग एनबीएफसी इंश्योरेंस के लिए इंस्ट्रक्शन और फॉर्मेट्स है टू में वो कंपनी जो बैंकिंग एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस नहीं है और जिनके ऊपर इंडिया लगता है उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको क्या फॉर्मेट दिए गए हैं वो डिवीजन टू में है हमारे सिलेबस में क्या कवर है हमारे सिलेबस में डिवीजन टू कवर है हमारे सिलेबस में डिवीजन वन और डिवीजन थ्री कवर नहीं है हमारे सिलेबस में पार्ट है डिवीजन टू डिवीजन टू की एक खास बात क्या है डिवीजन टू की खास बात यह है कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ऑफकोर्स पोर्ट्रेट में बनाओगे पोर्ट्रेट मतलब आप वर्टिकल बनाओगे बट डिवीजन टू की खास बात यह है कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो पहले आपके असेट्स आते हैं और बाद में बत्तुक आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी आता है जो कही न कही है। है। मतलब कि कहीं ना कहीं डिवीजन आपका एप्लीकेबल हुआ वर्टिकल तो बनाई थी पर पहले आप इक्विटी लाइब्रेरी लिखते थे फिर आप असैट लिखते थे यहां पर आप पहले असट लिखोगे फिर इक्विटी लाइब्रेरी लिखोगे इंपॉर्टेंट खासियत है बाकी तो और बहुत सारी खासियत है बट जिसको लेकर हम आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा तो शेड्यूल थ्री में हम क्या पढ़ रहे हैं शेड्यूल थ्री में हम इंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स और इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं वो भी डिविजन टू से रिलेटेड जो कंपनीज इन डेज फॉलो करती है ठीक है चलिए क्लियर आइए आओ बच्चों तो मैं सिखाऊ डिविजन टू तो डिवीजन टू अब लिखा हुआ है तो समझ गए कि डिवीजन डिवीजन लिखा है क्योंकि 2 है 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 क्योंकि एप्लीकेबल अब देखो शेड्यूल इतना इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, पर एग्जाम के लिए जो पोर्शन रेलेवेंट है मैंने सिर्फ उतना पोर्शन डाला है जो फालतू का पोर्शन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो छोड़ो जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को भी नहीं पता ज्यादातर ठीक है ना और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एक्चुअल <laughs> में डिवीजन टू अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज करते होंगे सिर्फ उनको पता रहता होगा और उनको भी बार 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 रेफर करना पड़ता है वो एक अलग लेवल वाली चीज हो गई अदरवाइज एज ए स्टूडेंट जो तुम्हें पता होना चाहिए फॉर द एग्जाम पर्पस वो यहां पर कवर किया गया है अच्छा ये आप पता है मैंने इस बार नोट्स में ना बहुत चेंजेस किए बहुत मतलब कि बुक को कंसाइज करने के लिए मैंने इलेवेंट स्टफ को डिलीट कर दिया है जो एक्चुअली में इरेवेंट है वो बच्चे जिनके पास मेरे पुराने नोट्स होंगे वो अभी देख के समझ में आ जाएगा उनको ये शेड्यूल थ्री ही देख के समझ में आ जाएगा आगे के फर्दर इन डेज को देखकर उनको और समझ में आ जाएगा ऐसा बहुत मतलब बहुत इन द सेंस की कंटेंट और डाल दिया वो वोने जितना भी इररिलेवेंट स्टफ था वो सब डिलीट कर दिया ताकि बुक को कंसाइज किया जाए पतला बनाया जाए चलिए तो सर क्या क्या है शेड्यूल थ्री के अंदर एक ना बेसिक स्ट्रक्चर शेड्यूल थ्री का अपन अभी देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं बाकी का अपन कल कंटिन्यू करेंगे ऐसे कोई जरूरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं शेड्यूल थ्री आपको आज ही कंप्लीट करवा दूं आ, एक एक एज अ प्रेशर सिचुएशन में डोंट वरी ऐसा कुछ नहीं है तो चलिए सो डिवीजन टू बेसिकली मैंने कवर किया है और उतनी बातें कवर की जितनी रिक्वायर्ड है तो सबसे पहले यार देखो पहली तो होती है बैलेंस शीट बैलेंस शीट क्वेश्चन में अगर आपको मान लो रुपीज एन लैक्स में आ रहा है रुपीज इन क्रोर्स में आ रहा है तो यू ऑल्सो विल ट्राई टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट रुपीज इन लैक्स रुपीज इन क्रोर्स जैसा उन्होंने राउंडिंग ऑफ दिया है वैसा ही आपको करना है ये ध्यान रखिएगा अब बैलेंस शीट जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपके असेट्स शुरू होते हैं सबसे पहले क्या शुरू होते हैं असेट शुरू होते हैं एक सेकेंड सबसे पहले क्या शुरू होते हैं असेट शुरू होते हैं असेट में क्या क्या है अभी ना कितना याद कराऊंगा मैं आपको क्या मैं आपको ये रटवा पाऊंगा मैं आपको तभी रटवा पाऊंगा जब मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा तो मैं आपको बस नाम लेता जा रहा हूं बगल में इवन इंडिया के भी नेम है नंबर लिखे हुए तो जैसे नॉन करंट सबसे पहले नॉन करंट असेट आएगा फिर क्या है पीपीई हाँ भैया ठीक है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आपका लैंड एंड बिल्डिंग

बायोलॉजिकल असेट एंड अदर बी अदर देन बियर प्लांट भाई साहब बायोलॉजिकल अट मतलब लाइव स्टॉक एक तरीके से एनिमल प्लांट ये सब तो बायोलॉजिकल बायोलॉजिकलट सर 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 बायोलॉजिकल बायोलॉजिकलट मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है अब देखो आपको नया नया हेड कौन सा दिख रहा है एक तो आपको ये नया हेड दिख रहा है बायोलॉजिकल असेट जो आपने इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं देखा होगा ठीक है और कौन सा नया इन आपको दिख रहा है आपको दिख रहा है फाइनेंशियल असेट एक्चुअली इंटरमीडिएट लेवल पर ये फाइनेंशियल असेट का हेड जो होता था वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम पे होता था अब इन्होंने कर दिया फाइनेंशियल असेट्स जिसके अंदर क्या क्या दिखेगा जिसके अंदर आपके इन्वेस्टमेंट्स दिखेंगे नॉन करंट नेचर के आपके ट्रेड रिसिबल्स लॉन्ग टर्म नेचर के लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसिबल्स अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स हैं तो वो दिखेंगे आपने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस अगर आपने किसी को दिए हैं तो या अगर कोई दूसरी कैटेगरी के अगर नॉन करंट असेट की ही कैटेगरी का कोई ऐसा असेट है जो फाइनेंशियल नेचर का है सर ये फाइनेंशियल असेट मतलब बेटा हम इसको इंडिया थर्टी टू और वन जीरो नाइन में पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल असेट क्या होती है कुल मिला के फाइनेंशियल असेट में कैश और कैश और डेटर्स और इक्विटी शेयर्स इससे रिलेटेड आइटम्स आते हैं मैं आपको इंडेस थर्टी टू में पढ़ाऊंगा ठीक है डेफॉल्ट टैक्स असेट ये आपने पहले भी देख चुका है ए एस में भी हुआ करता था अदर नॉन करंट असेट्स ठीक है ये मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट पढ़ाते जा रहा हूँ मेरा मुझे पता है फाइनल लेवल पे मैं आपको नहीं रटवाऊंगा ये चीज़ें ना ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सर आप हमें रटवाओ ये तो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा बस याद क्या रखना है कि भाई हाँ नया नया हेड क्या है एक बायोलॉजिकल असेट और एक फाइनेंशियल असेट जो एक और चीज़ नया है वो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो पहले नहीं होता था ये वाला आ गया करंट की बात करें तो करंट में भाई इन्वेस्ट इनवेंट्रीज आ गया अगेन फाइनेंशियल सेम देखो सेम चीजें हैं इन्वेस्टमेंट ट्रेडिबल पर यहां पर कैश एंड कैश भी बढ़ गया बैंक बैलेंस लोन्स अदर्स करंट टैक्स करंट्स अदर करंट अस ठीक है डन फिर आ गई आपके टोटल असेट्स टोटल असेट्स के बाद अब आ गया अब आ गया इक्विटी एंड लाइबिटीज तो पहले था असेट्स अब आ गया इक्विटी एंड लाइबिटीज ये सेकंड ठीक है इक्विटी एंड लाइब्रेरी में क्या क्या आएगा सबसे पहले इक्विटी एंड लाइब्रेरी में सबसे पहले इक्विटी आता है इक्विटी दो प्रकार की होती है इक्विटी शेयर कैपिटल लॉजिकली ये शेयर कैपिटल होता है

जो भी शेयर कैपिटल आएगा और अदर इक्विटी आएगा इसके अलावा तीसरा कोई हेड फेस पे नहीं दिखेगा थर्ड कोई भी आइटम फेस पे नहीं दिखेगा सिर्फ यही आइटम शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी अगर इनका हमें कोई वर्किंग नोट बनाना है तो मैं आपको नीचे बताऊंगा कि क्या क्या होगा बच्चे लोग नालायक लोग रिप्लाई नहीं कर रहे रिप्लाई करो नालायक रिप्लाई करो रे समझ में आ रहा है कि नहीं इक्विटी खत्म हो गया इक्विटी खत्म होने के बाद लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज़ में भी आपका नॉन करंट पहले आएगा और देखो आपका ये नया हेड आ गया फाइनेंशियल लाइब्रेरीज जैसे ऊपर था अपना फाइनेंशियल असेट्स करंट और नॉन करंट में वैसे आ गया फाइनेंशियल लाइब्रेड फाइनेंशियल लाइब्रेरी में भी अगर आप देखोगे तो एक नया हेड मिलेगा लीज लाइब्रेटीज जिसको हम इंडिया में लीज के हिसाब से कवर करते हैं लीज लाइब्रेरी को बाकायदा आपको फेस पे दिखाना है मैं आपको बोल रहा हूं ना पूरा फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है पर जो मेजर बातें हैं जो एक्चुअली आपको लग रहा होगा थोड़ी सी न्यू है नई नई टाइप की है जो इंटर लेवल पे नहीं पढ़ाई थी पर इंटर लेवल पे जो पढ़ाई गई थी वो तो समझ में आ रहा है कि हाँ क्या, क्या क्या था तो मैं आपको नई नई बातें बता रहा हूं कि हाँ लीज लाइब्रेटी आपको फेस पे दिखाना है ठीक है फेस पे दिखा दिखाना है ध्यान से सुन रहे हैं ईरा कह रही है यस सर यस सर यस सर ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज बोरिंग्स लीज लाइब्रेटी के अलावा वो आपका बोरिंग्स देखेगा बेटा बोरिंग आपकी ऑब्वियसली यहां पर लॉन्ग टर्म नेचर की बोरिंग्स आएंगी फिर इसके अलावा आपके ट्रेड पेबल्स भी बेटा आपके लॉन्ग टर्म नेचर के ट्रेड पेबल्स आएंगे अब ट्रेड ट्रेड पेबल को बोला गया कि भाई आपके अगर MSME वाले ट्रेड पेबल्स है तो अलग से दिखाओ और अगर अदर देन है MSME, तो अलग से दिखाओ पता है क्यों शायद कुछ बच्चों को पता होगा इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट है कि अगर आपके क्रेडिटर्स एमएसएमई वाले हैं एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड हैं तो आपको उनको पेमेंट विद इन फोर्टी फाइव डेज के अंदर अंदर करना पड़ेगा नहीं तो आपको डिसअलाउ हो जाएगा और एक्सपेंडिचर अलाउ तब होगा जब आप उनको रियल पेमेंट करोगे कैश बेसिस पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ बच्चों को पता होगा एमएसएमई का ये रूल इनकम टैक्स वाला तो इनकम टैक्स वाला ये जो एमएसएमई का रूल है ना इसके लिए उन्होंने बोला कि भाई आप फेस पे ही दिखाओगे कि आपकी एमएसएमई वाले ट्रेड पेबल्स कितने और नॉन एमएसएमई एस एम कितने ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर को देख के सामने आ जाए कि अच्छा ये एमएसएमई वाले हैं तो इनको पेमेंट कितने टाइम में किया गया वो स्क्रूटनी कर सके ठीक है बोलो बेटा क्लियर इसके अलावा हो गया आपका अदर फाइनेंशियल डेफर अदर करंट करंट लाइबिटीज की बात करें तो अगेन एक नया हेड है आपका फाइनेंशियल लाइब्रिटी और उसी के अंदर आपका लीज लाइब्रिटी बोलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वही माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज सेक्शन फोर्टी थ्री बी एच वेरी गुड अपूर्व वेरी गुड उसके अलावा आपका अदर फाइनेंशियल लाइब्रीज अदर करंट लाइब्रेड प्रोविजन करंट लाइब्रीज अब देखो टैक्स की बातें करें करंट टैक्स लाइब्रेड और यहां आ गया नेचर की होती है पर जो करंट लाइब्रेट होती है वो करंट ईयर की होती है जो हमें इन ट्वेल्व मंथ हमें पे करनी पड़ती है इसलिए करंट टैक्स लाइब्रेटी ठीक है बोलो जी। देखो इसी तरीके से. में आ रहा है नॉन करंट में आ रहा है पर करंट टैक्स अट जैसे कि जैसे कि करंट टैक्स करंटैक्स जैसे कि टी डी एस एडवांस टैक्स आपका करंट टैक्स होता है जो कि विद इन ट्वेल्व मंथ सेटल हो जाता है रिटर्न फाइल करेंगे तो सेटल हो जाता है तो बेटा क्या मैं तुम्हें बैलेंस शीट रटवा रहा हूं नहीं मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूं कि कौन कौन से हेड्स नए हैं सर नए कौन कौन से हेड्स हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक नया हेड है इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम्हारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है तो वो पीपीई में भी हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी हो सकता है डिपेंड करता है अगर तुम उसको बिजनेस में यूज कर रहे तो हो तो पीपी में होगा पर अगर इन्वेस्टमेंट परपज से खरीदा है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगा दूसरा कौन सा नया हेड है सर बायोलॉजिकल असेट्स तीसरा कौन सा फाइनेंशियल असेट फिर आपका करंट में फाइनेंशियल असेट्स ठीक है फिर उसके बाद आपका इक्विटी लाइब्रेरीज में अदर इक्विटी इक्विटी कैपिटल शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी लाइब्रेरीज में आपका फाइनेंशियल और उसके अंदर भी लीज लाइबिलिटी लीज लाइब्रेड एक नया हेड है फिर करंट में भी आपका फाइनेंशियल लाइब्रेडी और लीज लाइब्रेटी तो ये कुछ कुछ नए हेड्स हैं जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे सर ट्रेड और ट्रेड पेबल्स को फाइनेंशियल्स के अंदर क्यों लिखा है वो आपको मालूम पड़ेगा जब मैं आपको ये वाला इंडेस पढ़ाऊंगा इंडेस थर्टी और वन जीरो सो गाइज आई बिलीव कि आपको ये एक नया नया हेड कौन कौन से है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आया होगा ठीक है अभी सर ये क्या चीज है हां सुनो बेटा शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी दोनों का एक वर्किंग नोट बनाया जाता है मैं यही लिख देता हूं इन दोनों को एक वर्किंग के अंदर बनाया जाता है जिसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सोकी हम इन दोनों का वर्किंग भाई ड्यूरिंग दर शेयर कैपिटल में एडिशन कितने हुए बाय बैक कितना हुआ पब्लिक इश्यू कितना हुआ नंबर ऑफ शेयर कितने से कितने बड़े अमाउंट कितना बढ़ा वो सब भी तो डालना पड़ेगा ना उसकी वर्किंग बनेगी सोकी के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एन इक्विटी अदर इक्विटी में रिजर्व में कौन कौन से रिजर्व है हर रिजर्व में एडलेस एडिशंस वगैरह कितने क्या हुए डिडक्शन कौन से कौन से हुए डिविडेंट बाटा तो कहां से रिड्यूस किया आपने कौन सा रिजर्व माइनस किया ये सब चीजें आपकी सोकी के अंदर बनती है उसको बोलते हैं ये सोकी एस ओ सी आई ई सोकी -E. सोकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अब स्टेटमेंट और किसका किसका बनेगा ये बनेगा दोनों का का शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी तो इसका जो, है, इसका जो है, वो है का. इसके अंदर क्या क्या आ रहा है बिगनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड करंट ईयर के बिगनिंग में कितना था, कोई हुए क्या जिसका रिट्रोस्पेक्टिव चेंज करना पड़ा और वो करने के बाद आपका रीस्टेटेड बैलेंस कितना आ गया फिर आपका चेंजेस इन इक्विटी ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर कितने चेंजेस हुए एडिशन डिलीशन मतलब ये ये हो गया less, और आपका फिर आ गया बैलेंस एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड ये करंट ईयर का हो गया वैसे ही प्रीवियस पीरियड का भी आपको वही देखना पड़ेगा कि प्रीवियस पीरियड में बिगनिंग में कितना था प्राय पीरियड के चेंजेस कितने हो गए फिर रिस्टर कितना था फिर चेंजेस कितने हुए प्रीवियस ईयर में और प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कितना था इस तरीके से ये हो गया पहला पार्ट सोकी का सोकी का दूसरा पार्ट होता है ये वाला अदर इक्विटी वाला सोकी का ये होता है दूसरा पार्ट मैं इसको रोटेट कर लेता हूं हाँ ये देखो ये ये मैंने रोटेट कर दिया आपके लिए ये इस तरीके से होता है दिस इज अदर इक्विटी अदर इक्विटी में क्या क्या इसमें क्या क्या आ रहा है क्या क्या आ रहा है इसमें शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आपके डिवीजन वन वाली जो जो आप इंटर में बैलेंस शीट पढ़ के आयो ना उसमें पेंडिंग अलॉटमेंट वाला फेस पे दिखाता था फिर इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसे नहीं समझेगा जब तक मैं इंडिया नहीं पढ़ाऊंगा रिस्पेक्टिव इंडिया लिखा हुआ है मैंने यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस ये सब जानते हैं इसके अंदर कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिटेन अर्निंग अदर्स कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिटेन अर्निंग्स ठीक है ना अदर्स जो भी दुनिया भर के रिजर्व आ रहे हैं डेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू ओसीआई नहीं समझेगा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू ओसीआई नहीं समझेगा कैश फ्लो हैज रिजर्व अभी नहीं समझेगा बाद में समझेगा रिवोल्यूशन सरप्लस समझेगा ये समझेगा बिकॉज इंटरमीडिएट में तुम पढ़ के आओ पीपी को हम रिवेल्यू करते तो रिवोल्यूशन सरप्लस में जाता है तो वो अलग से दिखा रहे हैं एक्सचेंज डिफरेंस ए एस इलेवन पढ़ के आए हो तो एक्सचेंज डिफरेंस फॉरन करेंसी मॉनिटरी फॉरन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व एफ सी टी आर बनाते थे याद करो एफ सी टी आर बनाते थे तो वो भी तुम्हारा यहां पर आ गया अदर आइटम्स ऑफ ओसीआई नहीं समझेगा अभी बाद में समझेगा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर कैपिटल ये हम पहले इंटरमीडिएट uh, में देखते थे पहले शीट में हम उसको सेपरेटली दिखाते थे अब यहां पर हम उसको अलग से यहां पर अदर इक्विटी में उसमें दिखा रहे हैं तो ये आपने करंट रिपोर्टिंग पीरियड का जैसा बनाया वैसे ही आपका प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का बनेगा ये वैसे ही आपका प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का भी बनेगा तो इसको कहते हैं सोकी कुछ आया समझ में कि नहीं गाइस हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट सोकी का सोकी वाला Tell me. Tell me. कुछ आया में। जैसा कि मैंने आपको बोला था, के के अंदर होते हैं बनाने के, और दूसरा होता है। मैंने अभी आपके साथ साथ का किया। पेंडल का किया मैं कल करूंगा। और जनरल इंस्ट्रक्शन की बातें भी, भी मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा जनरल इंस्ट्रक्शन मुझे मेन मेन लगे जो आपको ध्यान रखने चाहिए माइंड में एक बार होने चाहिए वो मैंने रखे बाकी सब जो किसी काम के नहीं है वो मैंने सब डिलीट किए डिलीट मतलब कि वो मैंने कॉपी में रखे ही नहीं है वो मैंने कॉपी में रखे ही नहीं है ठीक है ना लास्ट में आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ और भी मिल जाएंगे पेंडल वगैरह बनाने के बाद ये बाकी के जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको मिल जाएंगे दैट्स इट मतलब कुछ खास ज्यादा पेजेस का नहीं है हो जाएगा अभी करने के हवाले हम कल की क्लास में शेड्यूल थ्री को कंटिन्यू कंप्लीट uh, करेंगे शेड्यूल थ्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा हार्डली हार्डली थर्टी से फोर्टी मिनट्स में थर्टी से फोर्टी मिनट्स में हम शेड्यूल थ्री को कंप्लीट कर लेंगे ठीक है ना उसका जो भी पोर्शन होगा वो थर्टी फोर्टी कंप्लीट कर लेंगे पर पहले आते हम एक रिवीजन करेंगे अभी हमारा टाइम हो गया है तो अभी मैं आज मैंने जो भी पढ़ाया है मैं उसका आपको रिवीजन करवा लेता हूँ करवा दू रिवीजन जल्दी बताओ क्या मैं रिवीजन आपको करवा दू बोलो जी करवाऊ रिवीजन बोलो यस yes, सर बोलो बोलो यस सर अच्छा जो बच्चे हो सकता है रिवीजन ना देखें लेक्चर को बंद कर दें उससे पहले दो मिनट रुक जाओ लेक्चर पे कैसे प्ले होगा एप कहां से डाउनलोड होगा क्या क्या मिलेगा ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा टेंशन मत लेना लेक्चर वाइज शेड्यूल कहां से मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा सब बता दूंगा जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन आज की क्लास में आ, कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले कोई टॉपिक शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शन दिए थे प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट लाइव वालों के साथ नहीं है ऑनलाइन डाउनलोड वालों के साथ है इतने नालायक लोग होते हैं कि शुरू का इंट्रो पार्ट भी वो बोलते हैं अरे भाड़ में जा रहे हमें लेक्चर देखना है वो लेक्चर देखने के लिए वो इंट्रो पार्ट बहुत जरूरी था उसमें मैंने बताया था कि आपको क्या होना चाहिए आपके पास आपके पास लेक्चर वाइज शेड्यूल होना चाहिए आपको क्या क्या मेंटेन करना है रजिस्टर क्या मेंटेन करना है वो सब तो प्लीज़ वो देख के रखना ठीक है चलो तो गाइज एक रिविजन लेते हैं शुरू से मेरी बात सुनते जाना सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनते जाना हमने आज शुरू किया रोडमैप ऑफ इंडिया रोडमैप ऑफ इंडिया में हमने ये देखा कि इंडे को का नोटिफिकेशन आया था फरवरी 2015 में एप्लीकेबल करवाने के लिए इंडेस को एप्लीकेबल करवाया गया है कंपनीज के ऊपर पार्टनरशिप फॉर्म ब्रांच ऑफिस इनके ऊपर जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है उनके ऊपर इंडेस नहीं लगता इंडेस को अप्लाई किया गया दो फेजेस में फेज़ वन फेज टू फेज़ वन मतलब सिक्सटीन सेवनटीन से और फेज़ टू मतलब सेवनटीन एटीन से पर इसका मतलब ये नहीं है कि आज अगर कोई कंपनी बनेगी कंपनी अगर आज कोई बनती है और लिस्टेड होती है तो उसके ऊपर इंडेस नहीं लग सकता उसके ऊपर भी लगेगा अब फेज वन में कौन कौन सी कंपनीज आती है ऐसी लिस्टेड कंपनीज या ऐसी कंपनीज हु आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग दे आर सिक्योरिटीज इन एनी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आउटसाइड इंडिया जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है 500 करोड़ टच हो जाए या उससे ज्यादा है सेकंड ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो और तीसरा उन सभी सब की सब्सिडरी कंपनीज या होल्डिंग कंपनी या और एसोसिएट और जॉइंट वेंचर कंपनीज इनके ऊपर इंडेस 16, से जाएगा. Status, status, holding, देखा जाएगा सब्सिडरी का स्टेटस होल्डिंग देखा जाएगा इंडेस लगा रहे हो जिस ईयर से अप्लाई कर रहे हो उस ईयर के फर्स्ट डे से सब्सिडरी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर का स्टेटस देखा जाएगा फेज टू में वो कंपनीज आती हैं जो फेज वन में नहीं आई और क्या फेज टू में आती है ऐसी सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज जिनके नेटवर्थ फाइव हंड्रेड करोड़ से कम है अब वो कितनी भी हो चाहे नेगेटिव क्यों हो ऐसी कंपनीज जो अनलिस्टेड है जिनकी नेटवर्थ फाइव हंड्रेड करोड़ से कम है बट टू फिफ्टी करोड़ और मोर है और होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर इन कंपनीज के ऊपर इंडेस लगता है सेवनटीन एटीन से कब सेटीन एटीन से अगर ये कंपनीज इंडेस लगाएंगी चाहे फेज वन वाली हो चाहे फेज टू वाली हो ये इंडेस लगाएंगी करंट ईयर में तो इनको प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रीस्टेट करके इंडेस के हिसाब से दिखाने पड़ेंगे मतलब इनको इंडेस को रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ प्रीसीडिंग ईयर बिगनिंग ऑफ प्रीसीडिंग ईयर वाली डेट को कहा जाएगा ट्रांजिशन डेट ट्रांजिशन डेट इसलिए हम कह रहे हैं ताकि हम इंडेस को रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करवा सके और ट्रांजिशन डेट से करवा सके ट्रांजिशन डेट हमेशा होगी इमीजिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग से उस डेट पर से लेकर होगा इसीलिए उस प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग पे ओपनिंग इंडिया बैलेंस शीट बनाई जाएगी ओपनिंग इंडेस बैलेंस शीट बनाई जाएगी मतलब यह होगा कि जब तुम फर्स्ट टाइम जब तुम फर्स्ट टाइम इंडिया कर रहे हो जब तुम फर्स्ट टाइम इंडिया कर रहे हो तो तुम्हें तीन बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी बताओ कौन सी एक तो करंट ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च सेवनटीन एक प्रीवियस इटी फर्स्ट मार्च सिक्सटीन और एक ट्रांजिशन डेट वाली ओपनिंग बैलेंस शीट फर्स्ट अप्रैल फिफ्टीन वाली और ये तीनों बैलेंस शीट तुम्हारी इंडिया वाली होंगी तुम्हारी ये तीनों बैलेंस शीट इंडिया होंगी इसके अलावा नेटवर्थ का हमें स्टेटस चेक करना है थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन को अगर थर्टी फर्स्ट 14 को कंपनी कर रही है तो मार्च का और कर रही है पर उसके बाद भी उसका नेट वर्थ मैच नहीं हो रहा है जो हमें चाहिए तो उसके बाद का जो भी फाइनेंशियल चेक किया जाएगा जरूरी नहीं कि बस थर्टी फर्स्ट मार्चीन का ही होगा उसके बाद के के भी चेक करेंगे कर सकते हैं पर थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन का सबसे पहले चेक करेंगे और अगर कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन को तो जब से वो एग्जिस्ट कर रही है उसने जो भी उसने अपने फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं तब से लेकर उसका नेटवर्क पोजीशन चेक किया जाएगा

और इसके अलावा म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर लग चुका है वन फोर ट्वेंटी थ्री वन फोर ट्वेंटी थ्री से ही लग चुका है वॉलेंट्री एप्लीकेशन भी अलाउड है एन बी एफ सीज को अलाउड नहीं है वॉलंट्री म्यूचुअल फंड कंपनीज को अलाउड नहीं है नॉर्मल कंपनीज को वॉलेंट्री एप्लीकेशन भी अलाउड है एक साल पहले से ठीक है उसके बाद अगर आपकी कोई फॉरेन कंपनी है जो फॉरेन में सब्सिडी है उसके ऊपर इंडेस नहीं लगेगा बट उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करने के पर्पज से हमें इंडेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपकी कोई फॉरन होल्डिंग कंपनी की तो उसके ऊपर इंडेस नहीं लगेगा सब्सिडी अगर इंडिया की है तो उसके ओन नेटवर्थ स्टेटस के बेसिस पर हमारे ऊपर डिवीजन टू अपलीकेबल होता है डिवीजन टू में हम जब फॉर्मेट बनाते तो पहले असेट्स आते हैं फिर बाद में इक्विटी लाइब्रेट आते हैं जहां तक बात करें असेट्स की तो कौन कौन से नए हेड्स देखे हमने हमने देखा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक नया हेड आ गया हमने देखा हमने 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 क्या देखा 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 करके करके एक एक नया नया आ आ गया गया में है जिनके लिए बनाया जाता है और लाइब्रेरीज में हमने देखा एक फाइनेंशियल लाइब्रेरी जिसके अंदर लीज लाइब्रेरी करके एक नया हेड आ गया ठीक है तो ये हमने कुछ कुछ बातें देखी चलिए बताइए आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया तो अगर आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया तो ठीक हम मिलेंगे कल की क्लास में कल की क्लास का टाइमिंग वही रहेगा सात बजे सुबह में मिलेंगे और आने वाले पांच लेक्चर्स जितने भी होंगे ओवरऑल वन से लेकर फाइव लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में जाना मत भूलना जो भी मैंने आपको बोला ना कि लेक्चर परचेस करने का लिंक इसके अलावा गूगल ड्राइव वाला लिंक लिंक गूगल ड्राइव के 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 अंदर आपको आपको बुक पीडीएफ हो गए आपको क्लास नोट्स हो गए जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और वो अपने पास हमेशा के लिए सेव करके रखना जब तक आपकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हो जाती जब तक आप एग्जाम्स नहीं दे देते हो जब तक आप पास नहीं हो जाते हो ठीक है जूम मीटिंग रखने वाला हूं मैं आज ही उसके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आप सबको बता दूंगा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो मुझे जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा आप ऐड हो जाओगे अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो उसके लिए आपको अपना ऑर्डर आईडी वगैरह डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेंगी अगर अभी तक आपने आपको रजिस्टर नहीं किया है तो मैं आपको टेलीग्राम पर ऐड नहीं कर पाऊंगा चलिए

आई होप आज का लेक्चर सबको समझ में आ गया हो एक चीज मैं आपको सबको बता दू जब हम कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो धीरे धीरे समझ में आती हैं मज़ा आने में टाइम लगता है जैसे बोलते ना अगर खाने को कुछ खाने में कुछ ऐसी चीजें होती है जो जिनको अगर आप धीमी आँच पे पकाओगे तो उसका टेस्ट इन्हांस होता है है ना जलता नहीं है तो वैसा ही है एफआर वैसा ही है एफआर के शुरू के तीन चार लेक्चर थोड़े से आपको थ्योरेटिकल लग सकते हैं थ्योरेटिकल लग सकते हैं बट यू हैव टू वेट आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मैं आपको बोल रहा हूं ये आपका वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा अगर आपने ध्यान दिया अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की थैंक यू सो मच गाइस आप जितने भी बच्चे हैं चाहे रजिस्टर्ड चाहे अनरजिस्टर्ड फर्स्ट लेक्चर आज अपना हुआ है अगर कुछ फीडबैक देना है तो आप अपना फीडबैक मुझे अपने इस मेरे व्हाट्सऐप नंबर पर दे सकते हो गाइज थैंक यू सो मच अभी के लिए हम मिलते हैं अगली क्लास में कल की क्लास सेम टाइम पर सात बजे यूट्यूब का लिंक ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा फिर भी मैं उसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा थैंक्स अलॉट गाइस मेरा टेलीग्राम चैनल भी है एक एक अलग से टेलीग्राम चैनल भी है वो भी ज्वाइन करके रख लेना ताकि आप अलग से आपको अपडेटंस मिलते रहे लेक्चर्स विल बी लाइव। यस ऑल द लेक्चर्स विल बी लाइव देर मे बी सम टू थ्री टॉपिक्स टॉपिक्स छोटे छोटे जिनका मैं रिकॉर्डिंग दू तो मैं ये क्या मान लो उसका लगभग पांच सात परसेंट मैक्सिमम पांच सात परसेंट ऑल लेक्चर्स विल बी लाइव फ्रेश एक्सेप्ट टू थ्री टॉपिक जो छोटे छोटे होंगे उनका मैं हो सकता है रिकॉर्डेड दे दू पर मैंने अभी उसके बारे में सोचा नहीं है मैं शेड्यूल बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दूंगा ठीक है चलो बच्चों बाय बोलो बाय 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 चलो ठीक है बाय बोल के जाना नहीं बोल के जाओगे तो एग्जाम अच्छे से नहीं दिख पाओगे बाय बोल के जाना चलो ठीक है और अपना फीडबैक जरूर शेयर कर सकते हो मुझे इस नंबर पर थैंक्स लॉट गाइस थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव लेक्चर थैंक्स लॉट कल मिलते हैं बाय बाय टेक केयर